तो सर शुरू करते हैं। 8:52 हो गया ठीक है ना सर, ऑलमोस्ट, चालू करते हैं। राइट सर। सो आप सबका स्वागत है आज के इस वेबिनार में। आज ये वेबिनार न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशंस और न्यूमरोलॉजी के टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर रखा गया है। मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अजय सर का देता हूँ। अजय शास्त्री सर पिछले काफी लंबे समय से इस न्यूमरोलॉजी फील्ड से जुड़े हुए हैं और ये सिर्फ न्यूमरोलॉजी में ही एक्सपर्ट करते हैं। जिनका पूरा जो ट्रस्ट है उनका न्यूमरोलॉजी के अंदर ही है और इसलिए 2 साल से मेरे साथ ये कार्यरत हैं। हम दोनों साथ ही काम कर रहे हैं और मेरे हिसाब से 2 साल में इन्होंने मोस्ट ऑलमोस्ट सर लगभग 2-5 हज़ार लोगों को अपन ने दिया होगा फ्री कंसल्टेशन। क्या दे दिए होंगे सर अपन ने? ऑलमोस्ट कम से कम मैं कुछ हासिल करता 5-1 हज़ार लोगों को सर ने फ्री में कंसल्टेशन दिया और वेरी वंडरफुल प्रेडिक्शंस दिए हैं, बहुत ही सटीक प्रेडिक्शंस दिए हैं। इन सबके रिव्यूज गूगल पे हैं, आप चाहें तो डेस्टनी स्टार करके अगर पेज है आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। और आप लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों को वेबिनार अच्छा लगे या बुरा लगे हम आपसे कोई फोर्स नहीं है, आप लोगों को जैसा उचित लगे वैसा रिव्यू प्लीज डेस्टनी स्टार के पेज पर दीजिए। सर रिकॉर्डिंग ऑन है? हाँ सर ऑन है सर। राइट सर। सो आज का वेबिनार एक्चुअली मैं आपको अजय सर के बारे में बता ही रहा था, जो इनके पेज पे आप जाके रिव्यू देख सकते हैं, इनकी प्रेडिक्शन बहुत सटीक हैं। इन्होंने अभी काफी लंबे समय से ये चीजें देखी कि मार्केट में न्यूमरोलॉजी तो आप लोगों ने बहुत अच्छी जगह से सीख ली, बहुत लोगों से सीखी, बहुत लोगों ने यूट्यूब और वेबिनार्स में जा जाके सीखी, काफी हद तक आपको लोशो ग्रेड का बेसिक नॉलेज तो हो ही गया और जहां तक समझा जाए तो आपको थोड़ा बहुत ईयर्स के बारे में समझ आ गया होगा। ईयर क्या होता है, पर्सनली क्या होता है, किस तरीके के कंजक्शन मतलब जो किस तरीके से आपके नंबर्स कैलकुलेट करने हैं। तो आज सर ने ये सब चीज देखा था पर देखा प्रिडिक्शन के मामले में बहुत ही पुअरनेस है, लोगों को खुद को नहीं समझ आ रहा है कि कैसे अपने लाइफ के आने वाले इवेंट्स या पास्ट इवेंट्स को कंसल्ट किया जाए और आने वाले इवेंट्स को प्रिडिक्ट किया जाए। तो बेसिकली देखा जाए तो अगर आपको आपको पास से ही पता लग जाए कि यहाँ पर आपके इस इवेंट के अंदर ये आपसे गलती हुई तो आने वाले टाइम में दैट यू कैन चेंज योर इवेंट, आइदर यू कैन मेक इट बेटर, राइट सर। तो बेसिकली सर आपको यही 5 दिन के एक वर्कशॉप करते हैं जिसके अंदर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स प्रॉपरली सिखाया जाता है कि कैसे किसी भी लाइफ के अंदर पास्ट इवेंट कैलकुलेट किए जाए और फ्यूचर इवेंट्स को और स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो आप सबका स्वागत करता हूं मैं इस वेबिनार में। अजय सर थैंक यू टू गिविंग दिस पर्टिकुलर टाइम और वेबिनार शुरू करते हैं सर। ठीक है राहुल भाई, ठीक है। डायरेक्ट बेसिक बात पे आते हैं, पहले कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, लोगों को समझते हैं कि अपने साथ जो जुड़े अपना परिवार है वो क्या चाहता है। राइट सर? राइट सर, राइट। तो मैं पहले ही ओपन करना चाहूंगा। आप प्लीज बी स्पेसिफाइड विद योर क्वेश्चंस फॉर योर कंसल्टेंसी, आपके फ्यूचर और पास्ट परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करके आपको सही प्रेडिक्शन से तरीके से गाइड किया जाएगा। जिनका भी कोई क्वेश्चन है प्लीज अपने हैंड रेस कर लीजिए, मैं 1 मिनट में किसी न किसी को अनम्यूट कर रहा हूँ। अजय सर क्वेश्चन था मेरा भी आपसे एक, आप खाली पहले ये बता देंगे सर कि मैं खाली एक बात जानना चाहता हूँ, आपका न्यूमरोलॉजी के अलावा मतलब न्यूमरोलॉजी आपका ट्रस्ट इतना गहरा क्यों है सर? जितने 5 साल से जितना भी प्रैक्टिस किया हूँ और मैंने जो सीखा अपने गुरु से सीखा, लेकिन सबसे ज्यादा मैं प्रैक्टिस में सीखा हूँ, और ने जो नंबर है ना पूरे के जो 1 से लेकर 9 के बीच में नंबर है, तो ये पूरा नंबर कुछ ना कुछ बोलते हैं हमेशा, कभी ऐसा नहीं लगेगा कोई नंबर मिसिंग है तो उसका भी इम्पैक्ट मिलता है, वो है उसका भी इम्पैक्ट है, और कुछ नंबर मिसिंग में तो चिंता करने की बात नहीं रहती, नंबर मिसिंग है तो दूसरा नंबर को सपोर्ट करके आगे लेके जाता है। और अब मेरी प्रैक्टिस इतनी हो गई है, इतने लोगों से रोज मेरी बात होती है, तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो ऐसा लगता है कि जब तो मैं अपना अपना 10-12 केस सोच के देखूं नहीं, तो मुझे ऐसा अनिजी लगता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं, और मुझे बहुत इसमें अभी क्या बोला एडिक्शन से लिखा होगा, जब तो मैं करूँ नहीं मजा नहीं आता है मेरे को। पर ईच एंड एवरी नंबर राहुल भाई, इसका हर नंबर डेट ऑफ बर्थ के भी नंबर निकलते हैं अलग से, वो सब नंबर अलग अलग कहानी बताते हैं हर नंबर आदमी की। अगर मेरे सामने डेट ऑफ बर्थ ही आगे सिर्फ, तो मैं कम से कम आपको 40-45% निकाल लेता हूँ ऊपर, बाकी बीच में जाने की बात तो बात अलग है, लेकिन 40% डेट ऑफ बर्थ से आ जाता है सब कुछ। राइट सर, राइट सर। हाँ जी। सो लेट मी अनवील टू मिस्टर सुनील कुमार धुरिया जी। सुनील कुमार धुरिया जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। नमस्ते सर। जय साईनाथ सर।
जय साईनाथ। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 1976। ओके सर मेरा मतलब जैसे लास्ट 2-3 साल से मेरा मतलब सही नहीं चल रहा है कैरियर, इसके लिए सर मुझे पता करना है। ओके चालू, एक मिनट क्या काम करते हो सर आप? सर अभी तो जैसे कि मैं मतलब होटल इंडस्ट्री में कर रहा था, फिर मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा था अभी मैं। आपका डीप जो अपने खराब टाइम चालू है वो 2015 के बाद से धीरे धीरे स्लो होना चालू होगा आपका टाइम। ओके उसके बाद जैसे से अभी आप 2020-21 के जो करीब आ रहे हो, ये आपका एकदम एंड वाला कार्यक्रम है, ये आपको 5-6 महीने की और तकलीफ रहेंगी। जैसे से मार्च के बाद 2022 चालू होगा, जैसे से आप आगे जाओगे 2022-23-24 ये टाइम में फिर से आपको ग्रोथ मिलने का टाइम हो गया है। जो डाउनफॉल तो आपके लाइफ का खत्म होते आ रहा है अभी 5-6 महीने और मार्च तक का टाइम बचा आपके पास। तो जो भी उधारी है, जो भी कर्जा हुआ होगा उसकी चिंता मत कीजिए, वो कर्जा सब उतर जाएगा आपका धीरे धीरे करके। फाइनेंशियल कंडीशन अभी कंडीशन आपकी का थोड़ा कर्जे में होंगे, थोड़ा फाइनेंस का लोन का भी तकलीफ होंगी आपको, लेकिन अगले 22-23-24 में आपको फाइनेंस में अच्छा सुधार भी होगा और आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे 22-23-24 में। सर मैं अगर मैं न्यूमरोलॉजी के फील्ड में ही अगर आगे बढ़ना चाहूँ तो सही कर सकता हूँ मैं? सर 1 से लेकर 9 के बीच में नंबर बोलिए कोई भी। 5 सर ये टाइम ठीक नहीं आपके लिए न्यूमरोलॉजी फील्ड में एंटर करने के लिए। आप भले मेरा अपना लॉस कर रहा हूँ लेकिन आपको सही बता रहा हूँ मैं, ये जो टाइम है मार्च तक का टाइम एंटर मत करो अभी आप। आपको करना इसमें एंटर तो मार्च के बाद कीजिए। मार्च के बाद क्या होगा आपके फेस चेंज हो रहा होता है, आप इससे भी अर्निंग कर सकोगे। ये टाइम अगर ये टाइम करना तो ये टाइम आप सीखो सिर्फ, इसमें आप प्रैक्टिस मत करो। से आपको जो गेन करना है गेन कर सकते हैं, लेकिन जो आपको फायदा मिलेगा आपको 22-23-24 में मिलेगा इसका। ओके ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर थैंक यू। ओम साई राम सर जी। ओम साई राम जी बोलिए। सर मुझे मेरे लड़के के लिए पूछना था, उनका डेट ऑफ बर्थ 29 जनवरी 2008 है। सर फिर से एक बार आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए, मुझे आवाज सुनाई नहीं है आपकी। 29 जनवरी 2008। 29 ना 29 ना? हाँ 29 जनवरी 2008। ओके क्या नाम है इनका? ऋषभ अग्रवाल, RUSHABH। ओके क्या पूछना चाहते बोलिए। सर मुझे इनकी पढ़ाई का पूछना था, करियर का पूछना था। इनके पढ़ाई का क्या तकलीफ है सर? इनका मन नहीं लगता, इनके दिमाग तो अच्छा है इसके पास, लेकिन बेटी क्या आपके फोकस नहीं कर पाती है, वो हमेशा मन भटकते रहता बार बार उसका। सही है। तो उसमें बाकी कोई कमी नहीं, आपकी बच्ची अच्छी है, पढ़ाई में भी होशियार, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर मन से करेंगे ना कुछ भी काम कर सकती है वो, सिर्फ उसको आप फोकस की। लड़का है क्या? जो भी लड़का है तो लड़के को भी क्या उसको फोकस की कमी है, बाकी कोई इशू नहीं है उसके लाइफ में। वो जब उसको फोकस में चालू कर देगा ना उसके लाइफ में जो चाहता है वो सब मिल जाएगा उसको। क्या करना आगे क्या करना चाहता है ये? सर साइंस में जाना चाहता है वैसे तो, पर अभी कुछ इतना मतलब उसका फोकस नहीं होता, इस वजह से कुछ मतलब फिक्स नहीं हो पा रहा है। आपका बेटा आपके आसपास है क्या अभी? अभी तो नहीं है सर मेरे आसपास। अच्छा ये एक्चुअली एक नंबर पूछना पड़ता, वो रहता तो वो सही नंबर बताता है। मैं बता सकती हूँ? नहीं दीदी, जिसके नंबर वही बताया तो उसको अपने को आउटपुट अच्छा मिलता है, सबसे बेटर आउटपुट मिलता है, दूसरे के सबसे काम नहीं चलते। दीदी इस साल तो थोड़ा मुश्किल है दीदी, जो आप सोच रहे हैं इस साल मुश्किल है उसका। नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि इम्प्रूवमेंट आए, लेकिन अच्छा इम्प्रूवमेंट उसका 2022 में जाएगा। ओके इस साल थोड़ा तब जाएगा, उसको मूड भी फ्रेश नहीं होगा, थोड़ा चिड़चिड़ापन भी आ जाएगा बच्चे में आपके। अभी चिड़चिड़ापन आ गया क्या अभी? सब करता है, थोड़ा चिड़चिड़ापन है उसमें। हाँ तो थोड़ा जैसे जैसे दिसंबर जनवरी आएगा थोड़ा और ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे मार्च के बाद से या अप्रैल के बाद से धीरे धीरे कम होने चालूंगा उसका। उसको सिर्फ आप मेडिसिन, हाँ वही बोल रहा हूँ मैं, अगले साल की तकलीफ उसका जो 1 आएगा ना मार्च 2023 से, उसके बाद अच्छा है। और पर्सनल ईयर 9 भी कभी कभी अच्छा जाता है, जो पढ़ाई के लिए उनका अच्छा जाता है पर्सनल ईयर 9, तो उसकी आप चिंता मत कीजिए। पर्सनल ईयर 9 के 4 के साथ एंटी होता है, 2 के साथ एंटी होता है, लेकिन मैंने देखा हूँ जो पढ़ाई के हिसाब से उनका अच्छा जाता है, अर्निंग के हिसाब से नहीं जाता है, लेकिन पढ़ाई करने वाले बच्चों का अच्छा जाता है, मैंने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको। तो आप उसकी चिंता मत कीजिए, सिर्फ बच्चों को मेडिटेशन करने बताइए,
और दिमाग को हाँ फोकस एक जगह करने बताए बस उसको, ओके सर, ठीक है उसका 2-4 का ड्राइवर कंडक्टर, आपको घबराने की जरूरत नहीं, आप लोग बहुत घबरा जाते देखिए 2-4 का, ऐसा हाँ कुछ नहीं, हाँ आपका लड़के का फ्यूचर अच्छा है, 2-4 वाला ओके कॉम्बिनेशन अच्छा आगे जाके बहुत अच्छा 30 साल के बाद अच्छा तरक्की करता है, तो आप कॉम्बिनेशन ठीक देखे घबराइए मत, 5 नंबर है मत घबराइए, 6 नहीं है कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हाँ लेकिन हाँ आपको सिर्फ उसको टाइम आन दीजिए, आपको ओके 9 में भी पढ़ाई अच्छी करेंगे, उसके बाद तो 2 साल उसके अच्छे थे उसके बाद के। हाँ सर, मुझे पूछना था उसका नाम जो है ऋषभ, वो 24 से 6 पे आ रहा है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या? दीदी 25 25 5 पे लाइए ना, उसको 5 की ज्यादा जरूरत है, 6 की उतना है एंटी, 2 का एंटी हो रहा है 6 जरा सा, तो 5 नंबर हाँ पे लाएंगे ज्यादा फायदा मिलेगा आपको। फुल ऋषभ अग्रवाल जो है वो 5 पे आ रहा है, पर खाली ऋषभ जो है वो 6 पे आ रहा है, तो वो भी 5 पे लाना चाहिए। लाऊंगे तो बहुत बेटर है, क्योंकि जो अपने को जो नेम रहता है ज्यादा इफेक्ट करता है, नेम का नंबर जो है ना वो ज्यादा काम करता है, कंबाइन नाम तो ओके करता ही चाहिए लेकिन जितना नेम का इफेक्ट करता है उतना कंबाइन नाम नहीं करता है, ओके तो ओके सर, पॉसिबल होगा तो दोनों आप 5 नंबर पे ला लीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके ओके ठीक है, थैंक यू सर। ओके मैम। राहुल भाई जय साईनाथ कैसा है ना? सर, क्या आपकी आपने एक पिछली बार एक पिछले वेबिनार में प्रॉमिस किया था कि आप सिखाएंगे कि पास्ट इवेंट कैसे कैलकुलेट करना है। तो पास इवेंट वाले किसको आने दो ना, फिर मैं बताता हूँ पास इवेंट, चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा। पास इवेंट अभी बता दूँ क्या? चलो पहले एक कैलकुलेशन ही कर, एक एक दो क्वेरीज ले लेते हैं, फिर बात ठीक है करते हैं ठीक है सर। ओके। आशीष जी का क्वेश्चन लेते हैं। यस आशीष जी, ओम साईराम सर जी। ओम ओम साईराम साईराम जी सर। बोलिए। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 31st of March 1972। ओके सर मुझे मेरे करियर और फाइनेंस के रिलेटेड मुझे सर पूछना था, बिकॉज फिलहाल बहुत दिक्कतें चल रही सर। हाँ ओके ओके, सर, एक मिनट बता रहा हूँ। श्योर सर। तो ये जो टाइम है ना आपको, जो करंट टाइम चालू है पिछले 2-3 सालों से आपको दिक्कत ज्यादा महसूस हो रही होंगे, हाँ सर, ये हाँ टाइम सर, आपका, हाँ सर, ये जो टाइम आपको सीखने का टाइम है, ये टाइम में आपको जो अपने एक्सपीरियंस जो सीखोगे आपको आगे लेके जाएगा, ये जो टाइम है ओके आपका जो टाइम है इसमें आपको बहुत सारी चीज सीखने को ही मिली होंगी, ऐसा नहीं आपने बहुत सारी चीज सीखे होंगे लोगों से, किसी ने आपको समय पे हेल्प नहीं किया होगा, किसी ने आपको धोखा दिया होगा, या कोई से किसी वजह से कोई कहीं ना कहीं आप कोई लर्निंग कर रहे हो पिछले 2 साल में, तो ये जो टाइम है ओके आपका, तो ये टाइम हाँ सर, आपका एक मिनट चालू रखिए, चार हाँ सर, सौ नेक्स्ट ईयर आपका जो है ना, नेक्स्ट ईयर जो है आपका वो भी दिक्कत भरा है, वो भी थोड़ा आपको हार्ड ही जाएगा, लेकिन मैं आपको गारंटी के ओके साथ बोल सकता हूँ कि 2023 24 25 ये टाइम में आप अपना फिर से जो पुराना समय था वो फिर से आपको वापस आएगा आपका। ओके आप कौन सा ओके काम करते हो अभी? सर, एक्चुअली मैं प्रॉपर्टी में हूँ, रियल एस्टेट में हूँ, और मैं जॉब करता था सेल्स और मार्केटिंग में सर, ओके और ओके दिसंबर 2019 से एक्चुअली आई एम विदाउट जॉब सर। बरोबर बताया ना, वो दो तो यस तकलीफ है, सर, दो बहुत तीन साल से आपको बहुत तकलीफ भी है, इसमें आपने बहुत सारी चीज सीखी हो, लोगों के व्यवहार कैसे उल्टे चेंज होते हैं, लोग अपने अपने लोग अपना साथ नहीं देते, सब कुछ आपको पता चल गया अभी, हाँ सर, हाँ सर, राइट सर, ये जो वो टाइम तो अपना एक्सपीरियंस हो सीखने रहा का है टाइम, सर। तो 2-3 साल से आपका टाइम ही सीखने का है, और ये टाइम आपको ओके अगले साल बहुत दिक्कत देगा आपको, मैं बोलता हूँ अगले साल दिक्कत देगा, लेकिन उसके बाद आपका 23 24 25 आएगा ना, तो फिर हाँ ये सर, जितने भी आपके साथ छोड़ के गए, या जो लोगों ने आपको आपकी इज्जत नहीं की है या मदद हाँ नहीं की सर, है, वो सब आपके फिर से वापस आएंगे, ओके 23 24 25 तो सर, आपका है, 22 को आपको सिर्फ झेलना है, और 2022 को, 2022 एक ओके बार चला के आपके लाइफ में, तो उसके बाद 3 साल आपके अच्छे हैं, आप प्रॉपर्टी ओके सेक्टर को पकड़ के रखिए, प्रॉपर्टी को छोड़िए मत अभी, प्रॉपर्टी सेक्टर आपको आगे लेके जाएंगे आगे भी, तो किसी ना किसी से आप अच्छा प्रॉपर्टी सेक्टर को जुड़ के रहिए, ओके। पूरा और उसको सर पूरा मत पूरा छोड़ मत दीजिए उसको, कहीं ना कहीं आप टच में रहिए प्रॉपर्टी सेक्टर के, ओके, आगे जाके उसमें मुझे फायदा होगा प्रॉपर्टी लाइन में। उसी में फायदा होगा आपको, जो पैसा कमाए थे उसमें से कमाए थे, जो कमाओगे उसी में कमाओगे, ओके और सर, अकल साइंस में भी मुझे बहुत रुचि है सर, तो उसमें भी मैं आगे बढ़ सकता हूँ सर? पक्का बढ़ सकते हो सर, आपका जो नंबर है वो अकल साइंस के लिए एकदम फिट बैठते हैं, तो आप बढ़ सकते हो, ओके आपको आप कभी भी बढ़ सकते हो, आपको कोई तकलीफ नहीं है, आप चाहो तो काशी ओके सुनाकर, आप चाहो तो 1 महीने बाद करो, आपको कभी भी करो, उसमें हेडेक नहीं है, हाँ आपकी आपके हिसाब से आप कर सकते हो, आपके आपके समय देख के, और आपका जो मनी फाइनेंस की तकलीफ है वो देख के आगे पीछे कर सकते हो आप उसको, आप ओके सर, फाइनेंस के लिए आप क्या कुछ सजेस्ट कर सकते हो? अभी फिलहाल जो दिक्कत है उसके लिए कुछ करना पड़ेगा कुछ?
रेमेडी है ऐसा कुछ? व्हाट सर, रेमेडी ऐसा चैप्टर है जहां मैं छेड़ता नहीं हूँ जल्दी लोगों को। ओके मैं तो बोल रहा हूँ ओके कुछ मत कीजिए, बिना कुछ किए आपको दो 23 24 25 बहुत कुछ देखे जाएंगा। ओके। और रेमेडी की ज्यादा, नहीं हाँ बोलिए। अजय सर, नेम अजय सर, नंबर जो अजय है सर, सर वो अजय 5 अजय सर, पे मेरा ठीक रहेगा सर? 5 भी चाहिए सर आपको? 5 नंबर ठीक है। और 6 नंबर, 6 नंबर इज गुड फॉर मी नेम। नहीं लेकिन आप पहले 5 पे लेके, 6 नंबर तो ठीक है लेकिन आपको 5 की ज्यादा जरूरत है बैलेंस का। आपकी जो प्रॉपर्टी सेक्टर है ना, जो मैं देख के बता रहा हूँ आपको फ्यूचर का, तो हाँ प्रॉपर्टी सर, 5 नंबर काम में आएगा, 6 नंबर काम में नहीं आएगा। ओके आपका ओके जो फ्यूचर है प्रॉपर्टी का फ्यूचर है। अगर आप प्रॉपर्टी में अच्छा काम करना चाहते हो तो 5 नंबर की ज्यादा जरूरत करेंगी, क्योंकि वो ओके अर्थ एलिमेंट है। तो ओके ठीक। आपको 5 नंबर पे लाइए, आपको फायदा फ्यूचर में उसको अच्छा देके जाएगा वो। अच्छा, 5 नंबर पे जो है वो जी हाँ मीन्स द जी, ओनली नेम, द बेसिक नेम ना, नेम होना चाहिए 5 नंबर पे, नाम जो है वो। कंबाइन आता तो अच्छी बात है। देखो नाम तो 5 नंबर पे लाइए, कंबाइन आता हो तो और अच्छी, वेल एंड गुड है। अगर नहीं भी आता है तो नाम 5 नंबर पे ला लीजिए आप, और जल्दी लाइए। ओके ओके सर, ओके सर, फाइन वेलकम फाइन सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक सर, वेलकम। यू, थैंक यू सर। या जय साईनाथ सर। जय साईं, बोलिए। सर, इनका आपने पास्ट में देख के बताया कि वास्तव में पैसा कमाया, दैट हाँ इज कैलकुलेशन बाय इवेंट। हाँ सर, इसी इवेंट में बताता हूँ मैं आपको, 2 3 और ले लेता। अभी मूड है मेरा बताने का तो बता चलो देता हूँ, बाद में फिर अपन चलो, उसपे मैंने जाते हैं। विराज खन्ना जी को अनम्यूट किया है। विराज खन्ना जी, प्लीज अनम्यूट यू सर। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलिए। डेट सर, मैं विराज खन्ना बोल रहा हूँ सर। ऑफ बर्थ क्या बेटा आपकी? सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है सर, ट्वेंटी हाँ, फोर जनवरी 1992। 24 बोले ना, 24 बोले ना। यस सर, 24 जनवरी 1992। एक मिनट बेटा, मैं कर रहा हूँ। यस सर। चलो कुछ तो आप तो, चलो राहुल भाई, जी सर। तो आप कुछ पास्ट की बात कर रहे थे ना, हाँ सर, तो लगाओ पास्ट के बारे में सर, कुछ बताऊँ मैं? बताओ सर, बताओ, पास्ट ही बताओ सर। नहीं, पास्ट क्यों बताते, फ्यूचर बाद में देखेंगे। एग्जैक्टली मतलब बात पास्ट और फ्यूचर के लिए मैं नहीं कह रहा था, मतलब जैसे अभी हाँ, आपने आशीष जी के बारे में देखा तो तो सर आपने वो सब उनके, राहुल भाई, सब कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। जी जैसे जी आपकी, सर, आप जब जो न्यूमरोलॉजी से नंबर डेट ऑफ बर्थ लिखे, मैं थोड़ा समझा देता हूँ, ये लाइव समझा देता हूँ आप लोगों को। 24 जनवरी 1992, ये लड़की की जन्मदिन है, बर्थडे है इसकी। इसका जी ड्राइवर आ रहा है 6 27 9 27। बेटा डेट ऑफ बर्थ फिर से रिपीट करो आप। सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 24 जनवरी 1992। कंडक्टर आ रहा है इसका, बच्चे का 1 1 कहां से आ रहा है? 28 से आ रहा है, 28 से 1 आ रहा है इसका। राहुल भाई समझे आप, जब इसका डेट ऑफ बर्थ को अपन टोटल कर रहे हैं ना, तो 28 आ रहा है अपना। आप देखो अगर आपको सवाल, तो आपको 28 दिखेगा आखिरी में आते हुए। 28 एक आपका कंडक्टर भी निकल रहा है, लेकिन जो ईयर का टोटल है वो भी आ रहा है। बेटा आप मुझे एक बार बताओ, थोड़ा याद करके बताना। यस सर, 2020 या 19 में कुछ हुआ था क्या आपके लाइफ में अच्छा बुरा कुछ भी? हाँ सर, अच्छा हुआ है सर, ये इसी साल सर 2019 में सर मेरी शादी हुई थी। ओके 2019 डेट क्या थी बेटा? सर 2019 में सर मेरी शादी 5 मई को हुई थी सर। थैंक ओके ओके ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। यू सर। और राहुल भाई जैसे आपने देखी इसका 20, जब भी ऐसे जो अपन जो डेट ऑफ बर्थ को टोटल करते हैं, कुछ ना कुछ इवेंट बनते हैं। हर डेट ऑफ बर्थ में 10 इवेंट रहते हैं कम से यस कम। सर, एक मैंने पहला इवेंट निकाल के बताया आपको, इसका दूसरा इवेंट भी अपन निकाल सकते, तीसरा भी निकाल सकते, पांचवा भी निकाल सकते हैं। अगर दूसरा यस इवेंट सर, यस निकालना है सर, इसी दूसरा इवेंट बच्चे का निकालना है, इसी बच्चे का, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? जो अपने करना, जो टोटल आया है 28, उसमें से इसके डेट ऑफ बर्थ का जो नंबर है ड्राइवर नंबर, उसको माइनस करना पड़ेगा। इसका डेट ऑफ बर्थ है 24 है, 24 यानी 6 नंबर हो गया इसका, जी सिक्स सर, नंबर का ड्राइवर हो गया। तो 28 माइनस 6 यानी 28 माइनस 6 ट्वेंटी टू हो ट्वेंटी गया ट्वेंटी टू ईयर। बेटा जब सर। आप 22 साल के थे, कुछ हुआ था आपके लाइफ में? जब आप 21 कंप्लीट हो गए थे आपको, जब 22 साल रनिंग चालू था आपका, सर अच्छा है बुरा ये तो आप बताओगे? अच्छा ही हुआ, अच्छा हुआ सर क्या? पर्सनली अच्छा आ रहा है इसका, अच्छा ही हुआ होगा सर, जब बेटा। मैं 21 इयर्स का था सर, तब मेरी सर पहली जॉब लगी थी सर।
21 की 22 में सर 21-22 इयर्स का था सर, मतलब 21 कंप्लीट हो गया था सर, 22 इयर्स का था तब। ओके सर, ओके ठीक है बेटा, ये थोड़ा इनको समझाना था, मेरे साथ कुछ लोग मेरे दोस्त भाई लोग भी हैं, उनको समझाने के लिए आपका सैंपल सर। एक तो आपने इनका इवेंट निकाला 22 ईयर वाला। हाँ जी, एक्चुअली मेरा बीच में नेटवर्क कम हो गया था, आपने जैसे अभी इनका एक इवेंट बताया मुझे, 22nd ईयर में इनकी फर्स्ट जॉब लगी थी। इससे पहले दूसरा इवेंट कौन सा बताया था आपने इनका? जब उसका 28 ईयर था, जब उसका जब तो टोटल करते हैं डेट ऑफ बर्थ का, तो उसका 28 टोटल आता है उसका। जी जी, तो 28 साल में कुछ ना कुछ सबके लाइफ में होता है, ऐसे जो अपन जो कैलकुलेशन करते हैं ना, तो 28 साल में कुछ ना कुछ होता है। उसके जो ड्राइवर को माइनस करते हैं, 26 इसका ड्राइवर है, तो 28 माइनस 6 22 में कुछ ना कुछ होता है इसके, ऐसे लोगों के लाइफ में या किसी के लाइफ में पढ़ सकते हैं। 10 इवेंट रहते हैं पूरे मिला के, 10 में से अपने कम से कम 6 इवेंट पक्का मिलते हैं, 6 आप 7 पकड़ सकते हो, कम से कम 7 इवेंट अपने को लाइफ में पक्का मिलते हैं उसमें। जी सर। तो जब कोई क्लाइंट मेरे पास आता है तो मैं उसके इवेंट पहले चेक करता हूँ, उसके इवेंट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर कोई इवेंट आ रहे हैं तो वो जो अपन जो जैसे कोई मेरे बच्चे के लिए आया, मैं देखता हूँ उसके इवेंट आ रहे हैं क्या। अगर इवेंट आ रहे हैं उसके, तो उसको बच्चा पक्का होगा, और समय के पहले जो समय है वो अपने इवेंट के अंदर ही उसको बच्चा होगा। ओके, यहाँ से कैलकुलेशन है कि दैट इवेंट यू कैन कैलकुलेट लाइक उनके बच्चों के लिए या उनके क्या उनके लाइफ में बड़े इवेंट आएंगे, वो भी अपने कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सिंपल तरीके से, इसमें कोई जादू नहीं है ना ही कोई ऐसे चमत्कार है, बहुत ही सिंपल एंड नीट एंड क्लीन सैंपल है। अपने को एक्यूरेसी 100% नहीं मिलेगी, मेरे को भी नहीं मिली, 80% एक्यूरेसी पक्का मिलती है, 80% एक्यूरेसी, 75% एक्यूरेसी आपको सबके से मिलेंगे। आप जितने भी लोग सब लोग भी चेक करोगे तो आपके घर में आजू बाजू आपको 75% एक्यूरेसी मिल जाएगी। और ऐसे अगर दो इवेंट में नहीं मिले तो इसके आजू बाजू और इवेंट बनते हैं, एक लाइफ एक आदमी के लाइफ में कम से कम 10 इवेंट बनते हैं लाइफ में। वो इवेंट में कुछ ना कुछ पक्का होता है, अच्छा होता है पर्सनली देख के या तो बुरा होता है, लेकिन वो होता पक्का है कुछ ना कुछ। राइट सर। राहुल भाई इनके सवाल थोड़ा एक लेते हैं, कुछ नहीं अपन इनको सब बता दिए, अभी थोड़ा आपका कोई सवाल है क्या? बट हाँ सर, सर मेरा जॉब रिलेटेड था सर, एक दो साल से बहुत ट्राई कर रहा हूँ कि मेरे जॉब मुझे सर फॉरेन में मिले सर, बट हो नहीं पा रहा है सर, तो मेरी विदेश में जॉब लगने के सर कब योग है सर? सर इनका इवेंट बताइए सर, नेक्स्ट इवेंट क्या बैठता है सर? इसका इवेंट का टाइम है, इसको अभी इवेंट का टाइम है, क्योंकि इवेंट अभी ऐसा आके गया, इवेंट अपना इसका पिछले 6 साल बाद आएगा जी। इवेंट इस टाइम में अपन इवेंट नहीं देखेंगे, इसका पर्सनल एरिया देखेंगे, और एक इसको अपन जो अपना जो ट्रिक्स है, अपन किसी को भी 1 से लेकर 9 के बीच में नंबर पूछते हैं, वो ट्रिक्स मैंने मेरी खुद की वो की हुई है। बेटा आप 1 से लेकर 9 के बीच में कोई नंबर बोलिए, 1 to 9 के बीच में। सर 6। क्या बोले बेटा? 6 सर, 6 6 6 6 सर 6। बेटा आप 2022 में आपको ट्राई 2-3 साल से कि आपने मुझे बता दिया, लेकिन मेरे को आपको लगता है 2022 में आप तो चले जाओगे बिना ज्यादा मेहनत किए। नवंबर से नवंबर से टाइम चेंज हो रहा है आपका, नवंबर 2021 से, इसके बाद आपको जॉब के लिए भी अच्छे काम मिलेगा, आपको जॉब में भी जा सकते हैं। हो सकता है आपको कोई एक्स्ट्रा एजुकेशन के लिए आपको जो ऐसे आपको जो कोई स्पॉन्सर करता है ना, ये भी आपको आ सकता है कि आपको स्पॉन्सर करे वहाँ कुछ फर्दर एजुकेशन के लिए, आपको दोनों चांस बन रहे हैं आपके 2022 में। आपको नहीं सर, बस जॉब रिलेटेड क्वेरी थी मेरी सर। ओके सॉरी, आपका बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। ओके सो अजय सर, अकॉर्डिंग टू दैट अभी आपने लास्ट केस कंसीडर किया, इसके अंदर आपने राहुल भाई ये इवेंट को मैं थोड़ा इनको बच्चों को समझाना चाहता हूँ जो मेरे साथ जुड़े हैं, इनको एक बार इवेंट में थोड़ा लाइव भी समझा देता हूँ, एक सैंपल लेके। जी सर, जी सर, तो समझ में आ जाएगा थोड़ा, वो आपको ज्यादा ध्यान में आ जाएगा। क्वेश्चंस उसी पे आ रहे हैं कि इवेंट कैलकुलेट हुआ कैसे। नहीं बस 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 वो बता रहा हूँ मैं। जी सर, एक पूरा वीडियो देखता दिखा तो 2 मिनट का, फिर मैं आज चालू करता हूँ। जी सर, एक मिनट राहुल जी। सर क्या हुआ सर? ओम साई राम। एक मिनट राहुल भाई, एक मिनट फिर से आ रहा हूं मैं।
अजय सर जी बोलिए। आवाज नहीं आ रही है वीडियो की। आवाज नहीं आ रही है क्या? हाँ ओके ओके, दोबारा शेयर कीजिए, मैं बताता हूँ। उसके साइड में एक छोटा सा क्रॉस चेकबॉक्स होता है शेयर साउंड, उसको चेक बॉक्स को आपने टिक करना भूल गए हैं सर। अच्छा अच्छा एक मिनट एक मिनट, स्टॉप शेयरिंग, पॉज शेयरिंग, हाँ स्टार्ट शेयरिंग करें। जो विंडो खुलेगा तो लेफ्ट साइड में नीचे देखेंगे तो एक छोटा सा कॉर्नर पे टिक मार्क होगा, उसी विंडो में जो विंडो खुल अजय सर आवाज नहीं आ रहा है। चेंज होगा, जैसे 2012-13 आपका अच्छा गया था, वो टाइम जैसे अच्छा गया था, वो आपका 2022-23 भी फिर से अच्छा जाएगा। सर वो तो बहुत अच्छा टाइम था सर मेरा, वो मुझे दिख रहा है, मैं बोल रहा हूं आपको 2012-13 आपके लिए बहुत अच्छा था। हाँ मैंने घर खरीदा था सर, बिना किसी लोन के घर खरीदा था मैंने 45 लाख का, उसके अगले साल मैंने ऑफिस खरीदा 40 लाख का। वेट कीजिए, उसके बाद आप कुछ भी कीजिए, वहाँ आपको धीरे धीरे आपकी अर्निंग सोच बढ़ जाएंगी आपकी सर। लेकिन अभी जैसे अभी ये मेरा ही काम दोबारा से स्टार्ट हो रहा है, वैक्सीनेशन सबकी स्टार्ट हो गई है, टूर वूर स्टार्ट हो रहे हैं थोड़े बहुत, तो ये तो काम मैं करूँ ना अपना जो ऑलरेडी कर रहा हूँ वो तो कंटिन्यू करूँ मैं, ये करूँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करो ये मेरा बोलना है। नहीं सर इन्वेस्टमेंट तो नहीं, लेकिन जैसे एक आधा स्टाफ तो लेना ही पड़ेगा सर, क्योंकि मेरा पोर्टल थे सर मेरे दो ऑनलाइन पोर्टल थे मेरे, सब बंद पड़ा हुआ है मेरा। नहीं तो आप अभी कर लो जो भी कर लगता है, लेकिन जो आपका अच्छे जो फेस आएगा ना, जो आपका पुराना 2012-13 का फेस है, वो आपका 2022-23 में चेंज होगा। जैसे 2012-13 आपका अच्छा गया था, वो टाइम जैसे अच्छा गया था, वो आपका 2022-23 भी फिर से अच्छा जाएगा। सर वो तो बहुत अच्छा टाइम था सर मेरा, वो मुझे दिख रहा है इसके, मैं बोल रहा हूँ आपको 2012-13 आपके लिए बहुत अच्छा था। हाँ मैंने घर खरीदा था सर, बिना किसी लोन के घर खरीदा था मैंने 45 लाख का, उसके अगले साल मैंने ऑफिस खरीदा 40 लाख का। सर इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे। नहीं सर लेकिन अब हालत ये हो गई है सर कि मेरे घर में राशन डालने के पैसे नहीं है। 2022-23 तक मैं आपको फिर से वो दिन दिखाएंगा भगवान, आप चिंता मत करो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत ठीक है, ठीक है, धन्यवाद जी, ओके धन्यवाद सर, धन्यवाद। जी अजय सर, अजय सर अजय सर, हाँ राहुल भाई आवाज आ रही है ना आपको? हाँ आवाज आ रही है सर बिल्कुल। ठीक है ठीक है, अभी मैं आपको इसका फॉर्मूला बताता हूँ कैसे मैं कैलकुलेट करता हूँ, आप क्या करना चाहिए। यस सर बताइए। केस स्टडी एक बता रहा हूँ मैं आपको सैंपल के साथ में, डेट ऑफ बर्थ दिख रही है सभी लोगों को? राहुल भाई डेट ऑफ बर्थ सर? जी सर जी सर। देखिए इसके डेट ऑफ बर्थ है 11 मई 1989। अब सबको म्यूट कीजिए वाला, मैं कर रहा हूँ सर। ठीक है अभी आवाज आ रही है ना सबको? अभी तो 11 मई 1989 है, जब आप इसका टोटल करोगे ना पूरे डेट ऑफ बर्थ का तो 34 आएगा, आप सभी टोटल डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, तो इसका 34 आएगा टोटल इसका पूरा, उसका कॉन्टेक्ट नंबर 7 हो जाता है। तो ये बच्ची मेरे पास पिछले साल 2 सितंबर महीने मेरे पास आई थी, उसकी शादी की बहुत इशू थे, बाकी तो लाइफ पूरी सेटल थी, उसकी घर था सब कुछ था, खुद के पैसे उसने घर ले ली थी, और बाकी उसके बाद आईटी कंपनी में बड़ी जॉब थी अच्छी, पेमेंट भी अच्छा था, उसको कोई तकलीफ नहीं थी, सिर्फ उसे जॉब नहीं हो रही थी पिछले 2-3 सालों में। तो जब मेरे पास आई तो उसका इवेंट चालू था, मेरे नजर में उसका इवेंट आ गया, इवेंट चालू था उसका 34 माइनस 2 ईयर एंड उसका 1+1 2 आ गया समझ लो इधर से ड्राइवर से, तो 34 माइनस 2 हो गया, तो 32 ईयर का इवेंट चालू था उसका। तो मैंने उसको बोला कि बेटा आपका जो बर्थडे है वो 11 मई को आता है, उसका उसके पहले आप अपना बर्थडे अपने हस्बैंड के साथ मनाओगे। तो सब चला गया, अगस्त गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी सब कुछ आ गया, फरवरी भी आ गया, इवन मई में शादी फिक्स, मई में उसकी सगाई फिक्स हो गई 7 मई को।
जब उसको जाके मेरे को बिलीव हुआ कि न्यूमरोलॉजी पर उसने ट्रस्ट करना चालू की और उसने मुझे आगे चल के 100 क्लाइंट दिए, 100 क्लाइंट के साथ लोगों से मिलाई और 100 क्लाइंट मेरे परमानेंट बन गए। तो ये इवेंट बहुत काम करता है सबके लाइफ में, सबके लाइफ में इवेंट कुछ ना कुछ आएगा। और वो टाइम पे उसका पर्सनल ईयर 3 चालू था, 3 शादी भी कराता है, एजुकेशन भी दिलाता है बच्चे को, बच्चे भी बच्चे के लिए भी अच्छा रहता है, लेकिन वो टाइम में बच्चे के लिए सिर्फ शादी बहुत ज्यादा जरूरी थी, इसका ना वो इवेंट शादी के रूप में आया उसके लाइफ में। ओके, तो डाउट है ऑलवेज में तो कैलकुलेशन एक बार रिपीट कर देते ना टोटल फाइनली। अच्छा देखिए आप देखो 11598 को टोटल कीजिए, आप कितना आप एक बार कीजिए, आपको समझ गया सबको समझ में आ जाएगा। जी सर एक सेकंड मुझे दीजिए सर। एक और एक दो, एक 1+1+5+1+9+8+9 34 आ रहा सर। देखो यहाँ पे आपका एनालिसिस दिया है बाजू में देखिए, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है यानी 34 आ रहा है बरोबर है। अभी उसका ड्राइवर 2 नंबर है बरोबर है। जी सर। तो अपन 34 को 34 से 2 माइनस करेंगे इवेंट निकालने के लिए, क्योंकि उसका ड्राइवर है। जी सर। तो 34 माइनस 2 32 हो गया। तो ये बच्ची के लाइफ का 2 इवेंट पक्का अपने को दिख रहे हैं, जो ऊपर पर दिख रहे हैं, बाकी तो ऐसे 10 इवेंट मेरे को दिख रहे हैं, लेकिन आप लोगों को 2 इवेंट पक्का दिख रहे होंगे, 34 और 32। 32 में इसकी जो 32 ईयर जब कंप्लीट हुई तो 11/5/2021 को कंप्लीट हो रही थी, 11 मई 2021 को ये 32 कंप्लीट होकर 33 में जाने वाली थी। इसके अंदर मैंने उसको बताया कि बेटा आपका बर्थडे के पहले आपकी शादी हो जाएंगी, और भगवान की दया से उसकी शादी 7 मई को फिक्स हो गई, 5 दिन पहले इवेंट के 4 दिन पहले उसकी शादी फिक्स हो गई, और शादी उसकी 1 जुलाई को शादी हो गई। इसका जो दूसरा इवेंट है लाइफ का वो 34 ईयर में आएगा। 34 ईयर में इसके लाइफ में एक तो कुछ मेरे हिसाब से तो बच्चे होने की ज्यादा चांस है 34 ईयर में, और हो सकता है कि इस साल भी उसको बच्चा कंसीव कर ले बेटी हो। तो मैंने उसको बताया कि 2 इवेंट तेरे लाइफ में पक्का आएंगे, तो 1 इवेंट हो चुका है, फ्यूचर इवेंट आने वाला है उसके लाइफ में। राइट सर। क्या एनालिसिस बाजू में दिया है, अगर आपको ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा सभी लोगों को। बिल्कुल सर। तो इसी तरीके से अपने किसी भी पर्सन की डेट ऑफ बर्थ से अपने कोई भी लाइफ का इवेंट कनेक्ट कर सकते हैं सर। इसका तरीका नहीं, सिर्फ एक मेन 2 इवेंट निकालने के, ये तो दो इवेंट इसके निकालने तरीके, बाकी जो आपके 10 इवेंट रहते हैं उसके तरीके अलग रहते हैं। ओके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप अपने लाइफ के 10 तरीके मतलब जो इवेंट्स हैं अपने निकाल सकते हैं, अपने परफेक्ट प्रेडिक्शन कर सकते हैं, अपने पास्ट इवेंट भी निकाल सकते हैं जहाँ अपने को लॉसेस हुए हैं या अच्छे हुए हैं। पक्का सर, उसके लिए अपने पर्सनल सामने वाले क्लाइंट का पर्सनली चेक करना पड़ेगा, उस टाइम उसका ईयर कौन सा चलता है पर्सनल ईयर, अगर अच्छा ईयर चालू था तो अच्छा उसको आउटपुट आएगा, बुरा चालू था तो बुरा आएगा। और सर ये एच क्या है, H8 ये हीटर नंबर है, लोसो ग्रेड वाले जो करते उनको नहीं समझेगा, ये हीटर नंबर मेरा निकल थोड़ा, मैं इसको यूज ज्यादा करता हूँ, तो जो मेरे स्टूडेंट है उनको मालूम है एच हीटर नंबर है। हाँ सर सभी सिखाएंगे ना, जितना मुझे आता है वो सबको सिखा देंगे। जी सर, जी सर। सो सर ये बता दिया, कोर्स भी बता ही देते हैं सर, देन वी स्टार्ट अगेन टेकिंग द क्वेश्चंस सर। ठीक है, एक मिनट चालू ले रहा हूँ। इसमें कोई डाउट है क्या, किसी को पूछना होगा तो पूछ सकता है, किसी को डाउट है क्या सर? जिनको प्लीज जिनको भी इसमें क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में लिखें, मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। सुमन बनर्जी, सुमन जी एक सेकंड सर मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। सुमन जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। या मैं ऑडिबल हूँ? अच्छा ये नेम नंबर क्या हम सीखेंगे, नेम नंबर जो एक एक अल्फाबेट के साथ जुड़ा हुआ है ना कुछ नंबर, नेम नंबर हम लोग सीख पाएंगे नेम नंबर सर? सर नेम नंबर मेरे मेरे मेरा जो कोर्स है सर, एक मेरे को सिर्फ ट्रिक सिखा, जो मेरा एक्सपीरियंस वही मैं सिखाता हूँ, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता हूँ आप लोगों को। अगर नेम नंबर में कोई तकलीफ है तो मैं आपको सजेशन कर सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ। तो मेरा एक्चुअली मेरा डेट ऑफ बर्थ 1 मई 1976
ओके एंड मेरा नाम है सुमन बैनर्जी SUMNBANERJEE। ओके सर, सवाल क्या है सर आपका? सर मेरा हेल्थ एंड फाइनेंस के बारे में पूछना था थोड़ा। ओके ओके सर, डेट ऑफ बर्थ क्या बोले, फिर से रिपीट कीजिए। फर्स्ट मई 1976। एक से लेकर 9 के बीच में एक नंबर बोलिए कोई भी आप। 1। सर देखो आपके पास अर्निंग यानी अर्निंग तो है लेकिन आप बचा नहीं पाते, कुछ ना कुछ वैसे पैसे आपके खत्म हो जाते हैं सर, सेविंग बड़ी सेविंग नहीं कर पा रहे होंगे अभी आज की तारीख में आप, और अर्निंग में तो दिक्कत होती होंगी आपको। हाँ वही इशू है, सेविंग्स फंड्स पे इशू, वो इशू आपको न्यूमरोलॉजी आती है ना? न्यूमरोलॉजी मतलब मैं ऐसा ही कुछ मतलब ऐसा ही फेसबुक में एक कोर्स किया था, मतलब छोटा हुई एक दो दिन का जैसे वेबिनार। क्योंकि आपके बाकी सेक्टर अच्छे, फैमिली सेक्टर अच्छा है, हस्बैंड वाइफ रिलेशन अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जो मेन सेक्टर है फाइनेंस का वो थोड़ा दबा हुआ है आपका, उसमें आपको उसमें ज्यादा दिक्कत है आपको फाइनेंस सेक्टर में आपके। हाँ, राइट, फाइनेंस सेक्टर कैसे आप कोशिश बहुत कर रहे हो, पूरी जान लगा रहे हो तो भी जो चाहिए आपको आज तक नहीं मिला। हमेशा आपको वही हमेशा दौड़ रहा भग रहा है लेकिन आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है उसमें। तो ये सब जो एक नंबर क्या बोले सर, आपने नंबर क्या बोले थे? 1 बोले थे ना? 1 1 1। क्या काम करते हो आप? मैं अभी अल्ट्राटेक सीमेंट बिल्ला व्हाइट में हूँ, जोनल चैनल हेड हूँ। ओके, नॉर्थ जोन का अभी ट्रांसफर हुआ है, ईस्ट से नॉर्थ में ट्रांसफर हुआ है दिल्ली में। सर जी आपको थोड़ा 2022 तक तो वेट करना ही है, 2022 तक आपकी जो ऐसी जो चालू है वो चालू रहेंगे, पैसे आएंगे खत्म हो जाएंगे, लेकिन 2023-24 में कोई आपको साथ प्रमोशन का टाइम आ रहा है आपका, कहीं से आपको कुछ अलग प्रमोशन है, कोई नई कंपनी आपको हायर करे, या खुद आपके दिमाग में कुछ नया कोई आइडिया है बिजनेस करने का, ऐसा कुछ नया कुछ हो सकता है लाइफ में 2023 में आपके, जो आपकी फाइनेंस कंडीशन 2023 में वो अच्छा, वो टाइम में क्या होगा आपके लाइफ में, इवेंट ऐसे बनेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि आप कैसे शिफ्ट हो गए या कहां से कहां पहुंच गए, वो 2023 को थोड़ा ध्यान में रखिए और थोड़ा उस पे फोकस करके रखिए, जब भी कुछ चांस आए उसको मिस मत कीजिए। अच्छा अच्छा ओके। आपका नेम नंबर आप चेक कर लेना बरोबर नंबर आने को ना, कि नेम नंबर बहुत काम करता है इस मैटर में। मैं वही बोल रहा हूँ, नेम नंबर क्या हम सीख पाएंगे यहाँ पे, आप सिखाएंगे? हाँ सिखा दूंगा सर, सिखा दूंगा। और हेल्थ मेरा ठीक रहेगा सर? हेल्थ का मेरे बारे में कुछ नहीं बताता हूँ, हेल्थ का मुझे समझता नहीं है, क्योंकि हेल्थ में आज तक मेरे को एक्यूरेसी नहीं आई है, जब तक मैं 100% श्योर नहीं हूँ बिल्कुल बोलता नहीं उस चीज के बारे में। ओके, तो 2023 में आप बोल रहे, 2023 में आप बोल रहे अपॉर्चुनिटी आएगा, ये क्या अपॉर्चुनिटी बाहर कंट्री में आएगा या इंडिया में ही आएगा? सर कुछ ऐसा बड़ा रहेगा कि आपकी लाइफ वहां से चेंज हो जाएंगे, जो आप सोच रहे हो ऐसे अपने इसको इमेजिन नहीं कर सकते, जो टर्निंग पॉइंट बनता है लाइफ का, जितना धक्के आपने आज तक खाए हो, जोनल हेड रहने के बाद भी आपको तकलीफ बहुत ज्यादा है। हाँ राइट, दूसरा जोनल हेड रहा तो खुश रहता है, पैसे पानी बहुत कुछ कमा लेता है, लेकिन ये जो टाइम है आपका 2023 में आपके ऐसी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आएगा जहाँ आपको खुद को पता नहीं चलेगा कि कहाँ से क्या हो रहा है, और अच्छा फेस है वो वाला आपका। अच्छा ओके ठीक है, थैंक यू। ओके सर, राहुल भाई सर, इसमें जो क्वेश्चन है वो लिखिए, किसमें अगर अपन किसी को डाउट होगा तो। इसी में क्वेश्चन था जो लर्निंग प्रोसेस सर पूछ रहे थे, इसी का क्वेश्चन था, मैं सेकंड क्वेश्चन देख लेता हूँ सर। सो सेकंड क्वेश्चन, हाउ टू कैलकुलेट द सेकंड इवेंट, जो फर्स्ट इवेंट है ना, जिसका भी जो फर्स्ट इवेंट कैलकुलेट करते हैं हमें टोटल करना है, हमें कंडक्टर का जो टोटल आएगा वो उसको, जैसे आपका 40 टोटल आया, 40 आया, उसका ड्राइवर अगर समझ लो 2 या 5 समझ लो, 5 आपका ड्राइवर है तो 40-5 35 का सेकंड इवेंट बनेगा। मैं अनम्यूट कर लेता हूँ। अच्छा सर, ये यहाँ पे वो आपका जो हिडन नंबर 8 बोले, ये कैसे आया कैलकुलेशन में हिडन नंबर 8? आपको कुछ भी नहीं आता समझ लो, सिर्फ लोसो ग्रिड बनाना आता है तो भी आप लोगों के बारे में 12-15 चीज बता पाओगे। थैंक यू। सर मुझे एक मिनट दीजिएगा। हाँ जी।
दीप्ति जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। दीप्ति जी, दीप्ति जी अनम्यूट कर लीजिए। सर मैंने तो यही पूछा था कि सेकंड इवेंट कैसे कैलकुलेट करना है। इसीलिए अनम्यूट किया आपको, समझ आया सर ने समझाया कुछ? नहीं सर, बहुत थोड़ा फास्ट बोल रहे थे तो मुझे नहीं समझ। आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी आप बताइए। सर मेरी है 12/6/1973। उसका कंडक्टर कितना आता है बेटा आपका? कंडक्टर 2 है। टू किससे आया, किससे आया? 20 से आया, 20 से आया मैम? पहले 29 आ रहा है शायद। 29 आ रहा है आपका? 29 आपका, 29 ईयर में आपका पहला इवेंट बनेगा, बरोबर? ठीक है। उसका तो आपका ड्राइवर कितना है? 3। तो 29-3 यानी 26 ईयर में दूसरा इवेंट आएगा आपका। सर 46 तो मेरा निकल गया है, ऐसा कुछ मुझे याद नहीं आ रहा बट। हाँ तो ऐसे आगे इवेंट ऐसे 10 इवेंट रहते हैं, 2 इवेंट नहीं आए तो फिर आगे वाले इवेंट आते हैं, 10 में से आपकी कम से कम 7-8 इवेंट लाइफ में आते हैं। ओके सर। इवेंट तो समझ गया ना, आपको 2 निकालना है तो आप किसी अपने जो प्रैक्टिस कर सकते हैं घर के लोगों पर प्रैक्टिस कीजिए तो आपको बहुत सारे ये 2 इवेंट तो 100% मिलते हैं आपको। 10 लोग का लूंगा तो आपको 8 लोगों में इवेंट मिल जाएगा उसमें। ओके सर, ओके थैंक यू। समझ गया ना, ये पॉइंट तो समझ गया ना आप? यस। ओके सर, प्लीज कोर्स शेयर कर देते हैं। हाँ कर किया हूँ मैंने, आप दिख रहा है ना आपको? जी सर, सर मुझे एक मिनट दीजिए सर, मैं अपनी स्क्रीन में थोड़ी, एक सेकंड दीजिए सर। ये जो पहला पॉइंट है ना, ये प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी बेस्ड ऑन 1-9 नंबर, जैसे मैं अभी किसी को पूछ रहा हूँ कि 1 से 9 नंबर के बीच में बोलिए, सबको कुछ नॉर्मली का मैं 90% लोगों को पूछ ही लेता हूँ, ये जो 1 से लेकर 9 के बीच में जब भी कोई नंबर बोलता है तो उसके इवेंट उस हिसाब से घटित होते हैं। इसपे 1 से लेकर 9 का बहुत बड़ा आपकी जो कन्फ्यूजन रहता माइंड में, इसको आंसर को यस करूँ या नो करूँ, जो भी करूँ, उसका अगर सबसे सटीक अपने को प्रेडिक्शन करना है तो उसको 1 से लेकर 9 के बीच में नंबर पूछ लीजिए। जैसे पिछला अभी जो बच्चा आया था उसने 6 नंबर बोला, 6 नंबर रहता है पैसे का, फाइनेंस का, बच्चों का, ये सब चीज का रहता है। ऐसे हर नंबर के अलग अलग है, अपने लोसो ग्रिड से ये नंबर का कोई लेना देना नहीं है, ये नंबर अलग ही चलते अपने हिसाब से। तो ऐसा ये प्रेडिक्टिव नंबरोलॉजी बेस्ड ऑन 1-9 में वो सिखाया जाएगा आपको। दूसरी जो पॉइंट है, ये दूसरा जो पॉइंट है अपडेटेड ड्राइवर कंडक्टर कंपैटिबिलिटी, ये कैसा है? हाँ जी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। जो दूसरा जो पॉइंट है उसमें कैसे आप लोगों को सिखाया गया कि 3-6 बहुत ही 0 उसका पावर बहुत कम रहता, 3-6 वाला सक्सेसफुल नहीं रहता। ऐसे बहुत सारे ड्राइवर कंडक्टर है जिसको आपने डिग्रेड करके रखे हो लेकिन वो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा करते हैं, 6-3 हो गया, 4-2 हो गया, या 3-6 हो गया, या 4-8 हो गया, या तो 8-4 हो गया। ऐसे जो ड्राइवर कंडक्टर है आपने भले ही आपको 1 स्टार दिए होंगे या 0 स्टार दिए होंगे या तो 0 बोले होंगे, लेकिन ये लोग सच में रियल लाइफ में हीरो रहते हैं। जो भी आप 3-6 देखोगे, 2-4 देखोगे, 4-2 देखोगे, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन है जो परफॉर्म बहुत अच्छा करता है लाइफ में, उनके लाइफ में स्ट्रगल भी कम आते हैं। जैसे आपको दिखा सिखा गया वैसा नहीं होगा, तो उसमें जो जो नंबर चेंज हो रहा है लाइफ में, जो मेरे एक्सपीरियंस से चेंज हुए है, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा है, वो मैं आपको बताऊंगा कि किस किसका अच्छा है फिर। यस सर। तीसरा बता दीजिए राहुल भैया। सर बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं सर आप। सही में बहुत अच्छा एक्सप्लेन आप ही कर रहे हैं। इवेंट कैलकुलेशन बाय डेट ऑफ बर्थ, इसमें 10 इवेंट निकालना आपको आ सकता है किसी को भी। 2 इवेंट मैंने समझा दिया, उसके बाद के इवेंट आपको मैं क्लास में सिखाऊंगा। टर्निंग पॉइंट ईयर ऑफ पर्सन, ये भी अपन डेट ऑफ बर्थ से निकाले जाते हैं, ये भी आपको बताऊंगा मैं। बेसिक क्या है, अपने प्रेडिक्शन करने का बेसिक क्या है, अपने को क्या चीज चाहिए? सबसे पहला बेसिक ये है कि कस्टमर की आप क्लाइंट की सुनो। अगर आप क्लाइंट की नहीं सुनोगे तो आप बहुत सारी चीज मिस कर जाओगे। सुनना और सुनाना और प्रैक्टिकल नॉलेज, इसमें आपको सबसे ज्यादा चीज लगेगी प्रैक्टिकल। प्रैक्टिस जितनी आप करोगे उतना अच्छा है, क्योंकि थ्योरी कभी काम नहीं लेती, हमसे प्रैक्टिस प्रैक्टिकली काम आता है आपके लाइफ में। ऐसी बहुत सारी चीज है जो आपको मैं आधे 30-40 पॉइंट है जो अपने वो प्रेडिक्शन करते समय टाइम काम आते हैं, वो सब बताऊंगा आपको। कोई अगर अपने पास आया, उसको अगर पूछा है कि असल अनलीगल है, लेकिन किसी ने अपने पूछ लिया बेटा मेरे को बेटा है कि बेटी है, तो या तो अपन डेट ऑफ बर्थ देख के बता सकते हैं उसको बेटा है कि बेटी है, जरूरी नहीं वो अपने को पूछे। लेकिन अपन अपने डेट ऑफ बर्थ से समझ में आता है कि इसको बच्चा होगा, एक होंगे कि 2 होंगे कि 3 होंगे, एक बच्चा है, 2 बच्चे है, 3 बच्चे है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बता सकते हैं, और लड़का है कि लड़की भी बता सकते हैं अपन।
उसके बाद है अपना मैरिड लाइफ, सबसे बड़ा इशू रहता है मैरिड लाइफ का। तो मैरिड लाइफ में अब सक्सेसफुल मैरिड लाइफ है कि नहीं है, ऊपर से दिखने से मतलब नहीं रहता, हो सकता है ऊपर अच्छी दिखे लेकिन अंदर से क्या है, ये आपको नंबर बता देते कि भाई इसके अंदर की लाइफ अच्छी है कि ऊपर से दिख रही है अच्छी। उसके बाद है अनसक्सेसफुल मैरिड लाइफ, ये अनसक्सेसफुल में तो आपको एकदम क्लियर चार्ट आता है दिमाग में, वो कुछ चार नंबर है लाइफ में, वो अगर वो नहीं है उसके पास तो सक्सेसफुल लाइफ उसकी कभी हो ही नहीं सकती है, भले ऊपर से दिखे लेकिन लाइफ सक्सेसफुल नहीं रहेगी उसकी मैरिड लाइफ। उसके बाद है फैमिली सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट यानी जैसे अपने बच्चे अपना सपोर्ट करते, अपने सास ससुर सपोर्ट करते, मम्मी पापा सपोर्ट करते, ऐसे पूरा जो फैमिली सपोर्ट मिलता है उसके भी अलग से कोई नंबर आते हैं, जिनके इसमें फैमिली सपोर्ट नसीब में है उनके इसमें वो नंबर पक्का मिलेंगे आपको। तो वो नंबर कोई अपने पास आता है कि भाई हमको फैमिली सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरे बुढ़ापे में मेरा बच्चा साथ देगा या मेरे बच्चा मेरा साथ देगा कि नहीं देगा, वो सबके जवाब आपको मिल जाएंगे इससे। सबसे मेन पॉइंट है मनी फ्लो यानी पैसा, पैसा कब आएगा, कितना आएगा, कहाँ से आएगा, ये सब चीज आपको इसमें समझ में आ जाएंगी, पैसा है कि नहीं है। आप सभी को दिमाग में ऐसा होगा कि चार नंबर एकदम बकवास रहता है, फोर नंबर की कोई वाइब्रेशन नहीं है, लेकिन पैसे के मैटर में फोर नंबर से अच्छा कोई नंबर ही नहीं है। फोर नंबर ऐसा है अगर आपके पास पैसा है, नहीं भी है तो फोर नंबर आपको कहीं ना कहीं पैसा जमा करना सिखा देगा। मल्टीपल रिलेशनशिप और या मल्टीपल बिजनेस या मल्टीपल अपने जॉब सब पकड़ लो, कोई कोई देखते हो, कोई कोई अपने लाइफ में देखे होंगे उनकी दो तीन शादी हो रही है, वो बिजनेस बार बार चेंज कर रहा है या तो जॉब हर दो साल में चेंज कर रहा है, तो ऐसे कौन से नंबर है जो उनको ऐसे करने पे वो करते हैं, ये भी बारे में आपको बताया जाएगा। उसके बाद है गवर्नमेंट जॉब या तो इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट सेक्टर, एक तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रेक्टर से पैसा मिले या तो गवर्नमेंट जॉब मिले या तो गवर्नमेंट का कोई भी काम करके पैसा कमाए, तो वो सेक्टर अपने आप वो उसमें कवर होगा। और सबसे जो मेन पॉइंट है वो है अपने जो 2000 के बाद बच्चे पैदा हुए या तो 2000 पैदा हुए या तो उसके बाद में जो बच्चे पैदा, उसमें आजकल मैंने देखा हूँ पिछले 10-12 सालों में नंबर बहुत कम आते हैं उनके, इसमें एक दो नंबर ही रहते हैं, किसके इसमें तीन नंबर रहते हैं। जब आपके इसमें तीन ही नंबर आ रहे तो आप बहुत कंफ्यूजन हो जाऊंगा कि इसके बाद मैं बस को बताऊँ क्या, ड्राइवर कंडक्टर में कितना बताऊँ इसको, तो वो चीज वो सब चीजें उसके भी एक अलग से कैलकुलेशन किया जाता है कि जो बच्चे 2000 के बाद पैदा हुए हैं तो उसके लिए वो ज्यादा अच्छा रहता रहेगा और वो आपको आप इजीली बता पाओगे किसके लाइफ में और आगे आगे क्या क्या इवेंट होंगे, या 2000 के बाद के जो बच्चे हैं उसमें आपको कैलकुलेशन अलग करना पड़ेगा, तो आपको हर चीज समझ में आएगी किसके साथ में ये भी सात नंबर साथ काम कर रहे हैं इसके। जी सर, तो दैट इज अ कंप्लीट कोर्स बाय न्यूमरोलॉजी ट्रिक्स, द नेम ऑफ न्यूमरोलॉजी ट्रिक्स। और अगर आप एक बताना भूल गया हूं मैं, जी बताइए, जो इवेंट कैलकुलेशन है ना, जो डेट ऑफ बर्थ जो अभी मैंने सैंपल दिया हूं ये लोगों को, जी सर, ये 1999 तक ही एप्लीकेबल है। ओके, जो जिसका बॉर्न 1999 के पहले हुआ है ना या 1999 में हुआ है उनके लिए एप्लीकेबल है ये, ये ये फॉर्मूला 2000 के बाद के बच्चों के लिए चेंज होता है। ओके, समझ गए, राइट। जिनका बॉर्न 2000 से पहले हुआ है उसका कैलकुलेशन इवेंट आपने अभी बताया, बरोबर, बाकी वो क्लास में आएगा। सर ने जो आपका अभी कोर्स एक बहुत अच्छी तरीके से एलिब्रेट किया कि क्या क्या सिखाने वाले इस कोर्स के अंदर, किस तरीके से होने वाला है। अगर आपको लोशो ग्रिड बनाना आता है और आपको बेसिक न्यूमरोलॉजी आती है या आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, तो आप दोनों के लिए एक बहुत अच्छा बेनिफिट, एक अपडेटिंग टूल है कि आपके प्रिडिक्शन में कितना परसेंटेज श्योर कर सकते हैं आप। रियली इट्स अ वंडरफुल कोर्स, सो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। दिस कोर्स ये 5 दिन का वर्कशॉप रहेगा और ये चालू हो रहा है सर, आप 30 से चालू हो रहा है सर, हाँ मंडे से चालू हो रहा है, 30 से 30 अगस्त से 30 अगस्त से। जी सर, इसमें और एक अपडेट की है, अपन ने एक अपना संडे के दिन क्रैश कोर्स भी करा रहे हैं, एक दिन का 12 से 5 का टाइम है उसका। कोई कोई आए थे मेरे पास बच्चे लोग, तो उनने बोले कि हमको एक ही दिन में करना है क्योंकि ऑफिस का जम नहीं रहा था, तो उनके लिए अपने संडे को भी रखे हैं, संडे को 12 से 5 के बीच में एक दिन का कोर्स भी है सेम इसका पूरा। राइट सर, राइट। दो ऑप्शन है आप लोगों के पास, 5 डेज वर्कशॉप आप कम्प्लीट ले सकते हैं या 1 डे के अंदर 5 to 6 आवर्स की वर्कशॉप, सिंगल डे वर्कशॉप भी है। इसका जो फीस है, जो एनर्जी एक्सचेंज है, वो 3333 है और बहुत अमेजिंग कोर्स है। अगर आप अपग्रेडेबल टूल की तरफ साथ जाते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप काम कर सकते, समझ पाएंगे कि अपनी लाइफ में कैसे इवेंट कैलकुलेट करने हैं, किस तरीके से इवेंट्स को आपको लाइफ में लेके आना है,
कैसे इवेंट्स को कैसा फायदा लेना है, किस तरीके से अगर आपके अच्छे इवेंट आ रहे हैं तो आपको कितनी मेहनत ज्यादा करनी चाहिए ताकि आने वाले टाइम में वो मेहनत आपको हमेशा आपको फायदा देती रहे। तो मैं आप सबको यही समझाने वाला हूँ। अच्छा अजय सर आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रिक्स सिखाएंगे 5 दिनों के अंदर किस तरीके से अपनी लाइफ की प्रेडिक्शन करनी है। आप इसी प्रेडिक्शन का पैसा देते हो, इसी प्रेडिक्शन सीखने जाते हो, इसी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। आप अपनी प्रेडिक्शन खुद कर सकते हैं, प्रॉपरली कर सकते हैं। अगर आपको बेसिक लोशोग्रेड अगर कहीं से भी सीखा हो, यूट्यूब गूगल या किसी से वर्कशॉप्स लेके या आपने पूरी क्लास की न्यूमोलॉजी इसकी, ये आप कंप्लीटली सीख पाएंगे। इस क्लास की आपको पीडीएफ मिलेगी और सर्टिफिकेशन मिलेगा। वीडियो रिकॉर्डिंग्स नहीं शेयर की जाएंगी इसकी, जो पढ़ाया जाएगा लाइव पढ़ाया जाएगा, रिकॉर्डिंग्स इसका नहीं दिया जाएगा, इसका कोई भी रिकॉर्डेड नहीं रहेगा। और आप कोर्स के ना इसके अलावा आप व्हाट्सएप ग्रुप में रहेंगे, सर को आप डायरेक्ट पर्सनली व्हाट्सएप करके क्वेश्चन पूछ सकते हो या सर से ग्रुप के अंदर कनेक्ट करके बात कर सकते हो। राइट सर? राइट राइट। इस कोर्स की फीस मैंने आप लोगों को बता दी, जस्ट 3333 है। और उसके लिए आपको सर से कनेक्ट करना, सर का नंबर है 9909555। मैं रिपीट कर देता हूँ, 9909555। और बैंक आप चाहें तो बैंक पे पेटीएम फोन पे गूगल पे या बैंक ट्रांसफर भी कर सकते हैं। 5 डेज का ये वर्कशॉप है और ये 30 अगस्त मंडे से चालू हो रही है। टाइमिंग रहेगा इसका सर, टाइमिंग बताइएगा प्लीज। अच्छा सर, टाइम 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 सर टाइम टाइमिंग मंडे से फ्राइडे का इसका 9 से 10 बजे तक का है। नाइट लाइव रहेगा और उसके आप इंटरेक्शन कोर्स भी रहा, जो भी आप पूछना चाहे लाइव पूछ सकते हो। उसके बाद भी मेरा सपोर्ट लाइफ लॉन्ग रहता है सभी लोग को। और तो संडे को एक दिन का करना है तो संडे को 12 से 5 का टाइम रखे, आगे पीछे हो सकता है एक आधा घंटा, लेकिन संडे को 12 से 5 है एक दिन का। जी सर, रिलेटेड कोर्स आप कोर्स ज्वाइन करना चाहें तो आप सर से कनेक्ट कर सकते हैं। सर का नंबर है 9909366955। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, 9909366955। सर इतनी, जैसे अभी आपने पीछे एक बच्चे का इवेंट कैलकुलेट किया पास्ट का, हाँ जी, इतनी उसमें तो एक्यूरेसी आपकी 100% आई। हाँ जी, तो इतनी एक्यूरेसी आएगी सर? सर ज्यादा नहीं बोलने का, कभी भी अपने एक्यूरेसी को देना है तो 75% अब आराम से मिलते हैं। 75-80% एक्यूरेसी आपको एक्चुअली राउंड में कैसा, मेरे पास जो बंच है मैंने समझो 100 लोग का जो किया उसमें से 80 लोग में सब कुछ मिला है। तो ये नहीं बोलूंगा कि 100% आपको एक्यूरेसी मिलेंगी, लेकिन 100 में से आपको 80% लोगों में पक्का एक्यूरेसी पक्का मिलेंगी इसमें। जी जी सर, 80% एक्यूरेसी आपको हमेशा ही मिलेंगी इसके लिए। पीडीएफ मिलेगा, रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलेगी इस क्लास की। पीडीएफ मिलेगा, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, लेकिन अगर कोई बच्चे क्लास मिस करते हैं या किसी भी कारणवश से तो उनको एकदम नेक्स्ट जो हमारी बैच चालू उसमें फ्री एकदम उनको फिर से अलाउ किया जाएगा सीखने के लिए, उनको और एक चांस दिया जाएगा। सर समझ गए? नहीं सर, एक बार बोला प्लीज एलिब्रेट करेंगे सर। जो बच्चे अगर किसी कारण से अगर वो मिस कर देते क्लास, अगर उनको इस बैच में कोई मिस हो रहा है, एक दो क्लास मिस हो रहे हैं, तो जब अपनी नेक्स्ट बैच चालूंगी ना सर, इसके बाद में जैसे 10 तारीख को चालूंगी या 5 तारीख को चालूंगी, तो उस बैच में भी उनको इन्वॉल्व किया कर लिया जाएगा बिना कोई चार्जेस के। समझने में तकलीफ नहीं जाएंगे उनको। राइट सर, तो आप लोगों को जो क्लास मिस हो जाता है तो नेक्स्ट बैच में यू कैन एनरोल द फ्रीली, यू कैन रिपीट रिवाइज योर, जो आपका मिस हो गया वो क्लास आपको प्रॉपरली सिखाई जाएगी दोबारा से उस मैच में। राइट सर? राइट राइट। चलिए सर, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं सर। ठीक है ठीक है जी सर, क्वेश्चंस पे चलते हैं। गौरव वर्मा जी से क्वेश्चन लेते हैं। गौरव वर्मा जी प्लीज बताएं। राहुल जी नमस्कार जी। नमस्कार सर, जय साईनाथ। जय साईनाथ सर, मैं आपका वो सेमिनार नहीं अटेंड कर पाया, कारण मेरे समय का अभाव था, मैं दोबारा उसमें ज्वाइन करूंगा। प्रवीण सोनी जी सर, अभी तो सर यहाँ पे बात करेंगे अपने इस न्यूमरोलॉजी की बात। नहीं नहीं, मैं समझ गया सर। सर सर बात कीजिए। बढ़िया है, आप बढ़िया लेके आए सर। मैं सर से एक क्वेश्चन करूंगा, भी आप शार्डियन से सिखाएंगे कि पाइथागोरस से सिखाएंगे? कैलेडियन से। तो पाइथागोरस का ये आपको टिप एंड ट्रिक्स सिखा रहे हैं सर।
सर राहुल जी, मेरी 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 विनती को सुनिए जी। लोगों के अंदर भ्रांति फैल रही है कि पाइथागोरन ज्यादा बढ़िया है शार्डियन से, तो मेरे को सबसे यही पता करना है शार्डियन ज्यादा बढ़िया है पाइथागोरन। सर ये जो चाइल्ड ने पाइथागोरन अपन सिर्फ नेम न्यूमरोलॉजी के लिए कंसीडर करते हैं ना, क्योंकि मेरा तक मेरा एक्सपीरियंस है नेम नंबर निकालने के लिए काम आते हैं ना ये। जी राइट सर। तो उसके लिए आपको आपको जो सिखाया गया है वो तो बेसिक में सिखाने वाला नहीं, वो तो आपको जो सिखाया गया है वो कैलेंडर ज्यादा अच्छा रहता है। अजय सर मैंने न्यूमरोलॉजी 1% भी नहीं सीखी, मैंने वैदिक अच्छा। सीखी गुरुकुल से हाँ। मैंने कई चीजें सीखी पर मैंने न्यूमरोलॉजी हाँ। नहीं सीखी, मैंने सीखनी है। तो मेरे अच्छा। को सुनने में आया भी पाइथागोरन ज्यादा बढ़िया है शार्डियन से, मेरे को अंक ज्योतिष से भी बढ़िया बोला गया, तो मेरे को आप क्लियर करें सर, माध्यम आप हैं तो मैं इसको ज्वाइन कर सकता। सर आप बात समझे नहीं गौरव जी। जी सर। सर यहाँ पे न्यूमरोलॉजी आपको सिखा ही नहीं रहे, सर आप पूरा प्रॉपर कोर्स भी लेके आ रहे हैं सर अपना अजय सर? वो है लेकिन वो फुल कोर्स है 12 दिन का है, वो अभी उसके तारीख पक्की होने की है। अच्छा सर मैंने तो आपका जो लिंक देखा मैंने ज्वाइन किया। सर देखो चैलेंजियन अगर मेरा एक्सपीरियंस पूछते हो आप, सो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, सबका अलग अलग हो सकता है। चैलेंजियन आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है नेम स्पेलिंग करेक्शन में। राइट सर, राइट सर। जो मैं भी जो करता हूँ सब चैलेंजियन की सबसे नेम करेक्शन करता हूँ, जो नेम करेक्शन की जो रेमेडी है सबसे पावरफुल रेमेडी है, बाकी कोई रेमेडी काम करे या ना करे लेकिन नेम करेक्शन की रेमेडी 100% काम करेंगी। सर आप फिर कौन सा कोर्स करवाएंगे जैसे राहुल सर ने बोला? ये जो मेरा जो फुल कोर्स करना है क्या आपको? आप जैसा ठीक समझे हम तो ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। आपको लोसो ग्रिड आती है क्या बनाना है? नहीं सर नथिंग नथिंग आता है। तो आपको फुल कोर्स ही करना पड़ेगा सर, उसका हम अभी तारीख डेट फाइनल नहीं है, आपको मैं बता दूंगा। आप ठीक समझे सर, हम लोग ज्वाइन करेंगे राहुल सर के नीचे हम ज्वाइन करेंगे सर। हमने वो क्लास छोड़ दी क्योंकि हमारे समय का आभास था, पर हाँ। बहुत बढ़िया क्लास थी राहुल सर का, थैंक यू सर। ठीक है ना, उसको देख लेते फिर मैं आपको बताऊंगा राहुल। ओके राहुल सर मेरे को एक व्हाट्सएप नंबर कर दीजिए, आपका नंबर नहीं है तो वरना मैं आपसे संपर्क करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप ग्रुप में से सर का नंबर सर को व्हाट्सएप कीजिए, सर मुझे मेरा नंबर अपना भी कर दीजिए सर, आपके साथ जुड़े रहेंगे। सर को व्हाट्सएप, थैंक यू सर। ओके ओके सर, कृष्णा घोष को ले रहे हैं। कृष्णा घोष जी प्लीज अनम्यूट यू सर। हेलो हेलो, नमस्ते दीदी बोलिए। नमस्ते नमस्ते। मेरा अब बेटा का डेट ऑफ बर्थ है 25 सितंबर 1987। दीदी फिर से बोले मुझे आवाज नहीं आई। 25 सितंबर 1987। हेलो हाँ एक मिनट, 25 सितंबर 19 कितना बोले आपने? 87 25 25 शादी कब होगा? एक नंबर। और बार बार वो बहुत मुसीबत में फंस जाता है, जॉब के लिए कोई भी प्रॉब्लम में वो फंस जाता है। अभी क्या है उसमें, क्या प्रॉब्लम है, कब इसको समाधान होगा? एक बता रहा हूँ मैं दीदी, पहली बात आपका बच्चा कैसे है, थोड़ा कैसा वो दूसरे की बातों में जल्दी आ जाता है, खुद का दिमाग अगर यूज करेगा ना बच्चा कभी फंसेगा नहीं। आपका बच्चा दिमाग अच्छा है लेकिन वो दूसरा दूसरे के इन्फ्लुएंस में जल्दी आता है, उसकी अच्छा। वजह से वो लाइफ में उसको तकलीफ हो रही है। तो उसके लिए उसको सिर्फ इतना बोलिए बेटा जो भी करना अपने दिमाग से काम कर दू। वो अगर दूसरे के दिमाग से लोग क्या बोलेंगे, काका क्या बोल रहे हैं, मामा जी मामी जी क्या बोल रही है, दोस्त लोग क्या बोल रहे, इसका सुनना ही मत बोलना। जो भी करना है बच्चों को अपने दिमाग से करने बताओ, जो भी खुद पे भरोसा करेगा जब आगे जाएगा। पहली बात, और लाइफ में हाँ। लाइफ में इसको कैसे, इसके ऐसे नहीं कि लाइफ में इसको लोग धोखा बहुत देते हैं, ये लोग कहने लोगों के फेवर में जल्दी आ जाता है। तो उसको बोलो जो थोड़ा अभी मैच्योर हो गया है, थोड़ा बच्चों को समझाने की कोशिश करो कि अपने भैया सबके साथ समझ के रहो, कोई भी अपना नहीं कोई पराया नहीं, सबके साथ एक लेवल में अच्छी दोस्ती मेंटेन करो। अच्छा, इसकी शादी के बाद जो आपकी बात की, शादी की बात पूछ रहे हैं ना? हाँ हाँ 34 में हो जाएगा। आपके बाजू का जो है क्या ये बच्चा? नहीं अभी तो नहीं है, वो तो दूसरे जगह में रहते हैं, नौकरी करते हैं, अभी वो यूएस में है, उधर भी वीजा लेके अभी
नया जब जब ज्वाइन करने वाला है तब उसको वीजा लेके कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, तो ऐसे बार बार क्यों हो रहा है? दीदी इसकी शादी के वक्त तो बहुत दिन से बने, पता नहीं शादी में डिले क्यों हो रहा है, खुद नहीं करना चाहता शादी तो, खुद नहीं करना चाहते है, यही तो है वही ना, इसकी शादी के तो बहुत दिन में 28 साल से शादी के वक्त बने हुए है, इसकी लाइफ में कोई ना कोई आया हुआ, ऐसा नहीं कि लाइफ में कोई नहीं आया हुआ, इसकी लाइफ में कोई ना कोई इसका दोस्त है फ्रेंड कोई आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, थोड़ा आप थोड़ा उसको पूछिए प्यार से बताएगा वो, हो सकता है ऐसे लोग ज्यादा नहीं लव मैरिज अपनी पसंद से शादी करते हैं, पसंद पे करने भी तो वी आर रेडी टू एक्सेप्ट, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहता है, बार बार बोल रहा है कि इतना हम लोग आई कैनॉट पुट प्रेशर ऑन हिम, क्योंकि वो बार बार कोई अभी देखिए ना शादी के लिए बात करूंगी तो दूसरा वीजा के लिए प्रॉब्लम आ गया, शादी तो दीदी आपके करना चाहूंगे तो शादी इसकी हो सकती है, शादी का इसका कोई ऐसा नहीं कि शादी रुकने वाली है इसकी, ये बच्ची की शादी तो होंगी लेकिन अपने मन से अपने पसंद से शादी करेगा ये दिमाग में रखो आप, जैसे शादी का टाइम शादी नहीं होगी ऐसा नहीं, शादी तो ही करेगा पक्का 100% शादी करेगा, कि जो नंबर इसके पास है उसको उसको मैरिड लाइफ का सुख देंगे इसको, सिर्फ डिले हो रही है अभी इसके वजह से हो रही है बस, हाँ उनके वजह से तो हो रहा है, ऐसे केस में कैसा है, हाँ हाँ क्यों करना नहीं चाहते है यही तो मिस्ट्री है, मेरा ट्विन सन्स है दूसरा का शादी हो गया यही नहीं करना चाहते है, मैम उनके पास सर यही तो बता रहे हैं कि उनके उनके नंबर्स में मैरिटल सुख है, सही है, यू हैव टू एंजॉय 100% ही विल एंजॉय दैट मैरिज लाइफ, ठीक है 100% एंजॉय करेंगे राइट, सो टाइम विल बी कम एंड इट्स विल गेट अप, तो समय आएगा और अपने आप होगा, वैसे अभी जो प्रेजेंट टाइम चालू है चाहते हो कि इफ यू वांट टू आस्क सम रेमेडीज लाइक मुझे इस पे ये ब्रेसलेट बना दो या मंत्र फूंक दो या तंत्र कर दो, तो दैट इज नॉट पे सी, अच्छा उसके इम्पैक्ट्स हैं लाइफ के वो आएंगे उसमें और 100% आएंगे, आप उसको चाहे कुछ भी इवेंट को मना नहीं कर सकते, जो इवेंट आपकी लाइफ में दिख रहा है वो आप उस इवेंट को डिनाई नहीं कर सकते, आप इवेंट लिख लीजिए इसका इवेंट आएगा 2024 में, 2024 में तो बहुत सारा उम्र हो जाएगा उनका, तो मैम जो इवेंट लिखा है जो इवेंट लिखा है उसको उसको चेंज नहीं कर सकते ना मैम, एक तो 2024 में आएगा नहीं तो ये मार्च के पहले आ जाएगा, बस दो ही ऑप्शन है, एक तो मार्च 2022 के पहले आएगा और ये इसके पहले शादी नहीं हुई तो फिर इसको 2 साल शादी रुक जाएंगी इसकी, हाँ क्या होगा फिर वो 2024 में शादी करेगा, फिर अगर मार्च के पहले नहीं किया मार्च 2022 के पहले तो फिर 2024 में करेगा, ओके ठीक है, 2022 में हो सकता है ना मार्च के पहले, मार्च के पहले हो सकता है उसका अभी योग चालू है, योग बहुत दिन से चालू है शादी का, अगर अभी नहीं किया बच्चे ने तो फिर 24 में पक्का हो जाएंगे, ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी ग्रोवर जी, नमस्ते सर, नमस्ते दीदी बोलिए, जय साईनाथ जी, सर मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ, मेरे हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा हैं तो वो कब तक सॉर्ट आउट होंगे, बस आपको हेल्थ इश्यू नहीं बताते हैं, मैं बस जानना चाहती हूँ कि कब तक मैं स्वस्थ हो पाऊंगी, मेरा ऑपरेशन का योग बना हुआ है और ये ऑपरेशन मैं करवाना नहीं चाहती, मैं दवाइयों से ही स्वस्थ होना चाहती हूँ, तो हो पाऊंगा, इसके लिए मुझे माफी कर दीजिए आप, इसके लिए मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा आपको, क्योंकि जो सेक्टर में मैं जो सेक्टर मुझे 100% नहीं आते मैं कभी बोलता नहीं उसके बारे में, ओके हाँ जी, और एक चीज और सर, आपने जो ये इवेंट निकाला है हाँ ये आप पर्सनल ईयर से भी यही नंबर 3 आ रहा है उनका, जो आपने डेट ऑफ बर्थ अभी शेयर की थी वीडियो में, तो वो पर्सनल ईयर 3 भी तो शादी करवाता है, ये इवेंट पर्सनल ईयर से भी निकल रहा है सेम चीज, तो फर्क क्या है दोनों में, इवेंट क्यों नहीं, अब मैंने उसको डेट बताया था, मैंने उसको बोला था कि भैया तुम्हारे बर्थडे के बल तुम्हारा शादी हो जाएंगी, ये फर्क है, उसकी बर्थडे 11 मई को थी, आपका इवेंट तो जनवरी तक चलता है ना इवेंट, तो मैंने उसको तारीख डेट बता दिया था, वो ये फर्क है, समझ गए, हाँ जी मैम, थैंक यू, एक चीज और जानना चाहती हूँ, क्या मैं न्यूमरोलॉजी के फील्ड में कुछ अच्छा कर सकती हूँ, आपको भरोसा है कुत्ते मैम, एक सिंपल सा क्वेश्चन मेरा है,
दीदी का डेट ऑफ बर्थ क्या दीदी आपकी? जी 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 लीजिए 9/8/1967. ड्राइवर कंडक्टर क्या है? 9/4. कर सकते हो ना दीदी, कर सकते हो, लेकिन आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना पड़ेगा. जैसे कुछ लोगों की मैं अपने इंटरेस्ट में बहुत देते हो, सिक्स से बहुत काम करता है, आपको मेहनत बहुत ज्यादा, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी. कर सकते हो, कोई डाउट नहीं उसमें. तो मुझे कब से शुरू करना, मतलब आना चाहिए इस फील्ड में, कब से शुरुआत करनी चाहिए? एक से लेकर नाइन के बीच में एक नंबर बोलिए कोई भी. 7. और कल से आ जाइए आप. नहीं सर, मैं आधी अधूरी नॉलेज पे नहीं आना चाहती हूँ, मुझे अभी और ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए. आपके लिए कभी भी वेलकम है, यानी आपने जो नंबर है, आपके जो सजेस्ट कर रहे हैं, आप जब भी चाहो जब भी कर सकते हो. आप जब मन से काम करना चाहोगे तो आप कभी भी कर सकते हो. ओके ठीक है. ओके थैंक यू. ओके मैम. वंदना शर्मा जी. नमस्ते सर. नमस्ते जी, बोलिए. मुझे मेरे पति के बारे में कुछ पूछना है. फाइनेंस तकलीफ के तकलीफ से मैडम पहले डेट ऑफ बर्थ बताइए. 4 December 1976. चालू रखिए. आपको एक बच्चा है मैडम, लड़का है आपको एक? सर. क्या बोले? यस सर. ओके. दीदी 2002 में कुछ हुआ था, कोई अच्छी घटना हुई थी आपके लाइफ में? यस सर, मेरा पहला बेटा हुआ था. अच्छा, वो जो लड़का है पहला बेटा है. आपके तीन बच्चे हैं? नो सर. नहीं है? नहीं मैडम. तीन बच्चे योग तो दिखा रहा है आपको, शायद कुछ अबॉर्शन या ऐसा कुछ हुआ है क्या लाइफ में? यस सर. हुआ है? हाँ जी. कि आपके लाइफ में वैसे तीन बच्चों के योग अच्छे हैं, ठीक है. और आपके 2000 एक मिनट, तो ये भैया के पास जो आप बोल रहे, जो आपके हस्बैंड है ना, ये yes. इनके लाइफ में, इनके परिवार में 2018 में कुछ एक्सीडेंट हुए थे क्या, या कुछ ऐसी, ऐसे क्या बोलूं मैं आपको, शायद कोई ऐसी नेगेटिव घटना है? बैड इवेंट. यस सर, मेरे सरसुर जी का देहांत हुआ था. ओके सॉरी मैम. ठीक है, आप पूछिए क्या पूछना चाहते हो. सर मुझे पूछना, आपका जो सवाल था अपने हस्बैंड की फाइनेंस के बारे में, आपने पूछे थे ना पहले. हेलो. हाँ मुझे पूछना, मुझे एक ही सवाल पूछना है कि सर हमारा घर कब बनेगा? दीदी आपका तो घर ऑलरेडी होगा, आपका घर ऐसा नहीं कि नहीं होगा, क्योंकि जो आपके जो डेट ऑफ बर्थ के, आपके जो हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ है, उसकी इसमें घर का सूत्र तुमको बचपन से दिख रहा है, और उनके जो नंबर है, घर आपको अच्छा नया रीडेवलप करना है कि नया घर बनाना है क्या? हाँ हाँ हाँ. अच्छा, एकदम आलीशान घर. अच्छा, तो इन्हें पैसा है भैया के पास? नहीं, तकलीफ तो चल रही है अभी. नहीं नहीं, तकलीफ नहीं रहेंगी वो लाइफ. आपके हस्बैंड में जो नंबर है ना, 403 नंबर प्रेजेंट है, उसके वजह से लाइफ में तकलीफ कितनी भरे, वो हमेशा उसको पैसे को रोलिंग करते रहेंगे बरोबर, तो पैसे सेविंग करेंगे उन्हें, जो भी पैसे, ऐसे लोग जब भी कमाते हैं ना तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हैं. ऐसे लोग तकलीफ में कब आते हैं, जब इनका इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा रहता है, इसकी वजह से तकलीफ महसूस करते हैं. वैसे ऐसे लोग पैसा हमेशा रहता है. आपका घर कब बनेगा? 1 से लेकर 9 के बीच में एक नंबर बोलिए कोई भी. 5. क्या बोले? 5. दीदी थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा डिले दिखा रहा है आपको. और आपको जैसे आपने बोले ना बंगला बनने को ना, ऐसा बंगला नहीं बनेगा, लेकिन आपकी जो उम्मीद है उससे 70-80% बनेगा. ऐसे 100% उम्मीद पूरी नहीं होंगी, लेकिन आपका बंगला तो थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 साल लग जाएगा बनते हुए, लेकिन बंगला भी थोड़ा
कम बनेगा, नहीं जैसे आपने एकदम जैसे बहुत बड़ा सोचे होंगे उससे थोड़ा कम बनेगा बस, लेकिन बनेगा पक्का। ठीक है, ठीक है सर। ये इतने सारे इवेंट आपने कैसे कैलकुलेट कर लिए इतनी जल्दी? सब वही है ना, पॉइंट वही है, चैप्टर वही है, फंडे वही है, जो है ना जो मैंने बताया ना फंडे वही है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आया। सर मेरा कहने का मतलब ये था, आपने डेट ऑफ बर्थ लिया सर जी, उसमें राहुल भाई उसमें कैसे कुछ नंबर ऐसे पड़ जाते हैं जिसमें दिखाते कि लड़का उसको पक्का होगा, वो जो डेट ऑफ बर्थ आई थी ना हाँ, उसमें दो नंबर ऐसे प्रेजेंट है जो एकदम शॉर्ट शॉर्ट बताते हैं कि इनको बच्चा लड़का होगा पक्का, दूसरा बच्चा मेरे को समझा नहीं इसके अंदर, दोनों बच्चे बता सकता था लेकिन दो दो बच्चे इनको तीन बच्चे का ही होगा इनके पास, लेकिन उसका एक बच्चा ओवरसोन होगा, इसकी वजह से अपना कैल्सियम रॉन्ग हो गया, वो तो 90% एक कैल्सियम में फिट होता है। तो आपको मतलब कुछ कुछ इवेंट ऐसे होते हैं जो तुरंत दिख जाते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस हो तो, आप कहने का ये चाहते हो ना? हाँ, दो तीन मिनट मिल गए ना आपको, दो मिनट एक दो मिनट तो उसमें अपन निकाल सकते हैं, लेकिन जितना डीप जाने इसमें क्या है, इसमें अपन थोड़ा कभी कभी इसका जो बच्चा जो तीन बच्चे नहीं है तो अपने को इनके हस्बैंड की इनके वाइफ जो मैडम है इनके भी डेट ऑफ बर्थ चेक करेंगे तो और ज्यादा अपने को समझ में आता है और ज्यादा अपन अंदर डीप तक जा सकते हैं। अभी तो बहुत छोटा सा चीज है, इसके अंदर अपने को ज्यादा टाइम नहीं मिलता है ना, टाइम मिला किसी को 10 मिनट दे दिया अपन ने किसी को भी तो उसको जितनी जो 15 पॉइंट है ना 15 पॉइंट पूरे बता सकते हैं लाइन से अपन, 15 पॉइंट में से 12 पॉइंट वो बोलेगा ओके है, 3 पॉइंट हो सकते कम ज्यादा हो जाए लेकिन 15 पॉइंट में 12 पॉइंट ओके बोलेगा वो। राइट सर, राइट। बेसिकली अपने यही सिखाने वाले हैं कि ये टाइप के इवेंट क्या थे, लाइफ में कैसे आएंगे और फ्यूचर इवेंट्स क्या जाएंगे। और ये सिंपल और कुछ नहीं सिखाना अपने को, बाकी अपने को अपने से बेटर लोग सिखाते हैं, अपने सिर्फ इतना ही सिखाना है कि भैया जो पॉइंट ये जो इवेंट है, इवेंट और ट्रिक्स प्रेडिक्शन में जहां लोग प्रेडिक्शन में वीक पड़ रहे हैं एग्जैक्टली, बस इतना ही सिखाना अपने को और कुछ नहीं सिखाना उनको। राइट सो सर, दो मिनट इजाजत दीजिएगा, मैं यही सब लोगों को समझा रहा हूँ कि सर कोई आपको जादू नहीं दिखा रहे, कोर्स है, सिंपल सी कैलकुलेशंस है, 5 दिन का वर्कशॉप है जिसके अंदर आपको 15 पॉइंट बताए जा रहे हैं, प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी बेस्ड बाय 1 बाय नंबर जो सर 1 से 9 नंबर तक ले रहे हैं, आपसे नंबर जो बुलवाते हैं वो आपकी डिवाइन आपको कैसे कनेक्ट करनी वो सिखा रहे हैं, अपडेटेड ड्राइवर कंडक्टर कॉम्पेबिलिटीज कि आपको देखना है कि कैसे कौन से नंबर कैसे किसी के साथ कनेक्ट होते हैं, इवेंट कैलकुलेशन बाय योर डेट ऑफ बर्थ, टर्निंग पॉइंट ऑफ ईयर पर पर्सन और आइदर डेट ऑफ बर्थ, तो बेसिक फॉर एक्यूरेट प्रेडिक्शंस। सो बेसिक्सली बस जो आप प्रेडिक्शन कर रहे हो उसको कितना एक्यूरेसी कितने इजी तरीके से कर पाएंगे, फैमिली मतलब आपका सन डॉटर नंबर ऑफ चिल्ड्रन सक्सेसफुल मैरिड लाइफ अनसक्सेसफुल मैरिड लाइफ फैमिली सपोर्ट, किस टाइप के इवेंट्स आपकी लाइफ में रह रहे हैं, क्या क्या चल रहा है, कैसे आ रहा है, फैमिली सपोर्ट क्या रहेगा, मनी फ्लो कैसा रहेगा, ये सब आपको प्रॉपरली सिखाया जाएगा। मतलब सबसे बड़ा इशू आजकल एक और आ रहा है कि आफ्टर 2000 जो बच्चे पैदा हुए हैं उन लोगों को कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, उनके तो जैसे एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं 2 फरवरी 2000 तो उसमें तो नंबर ही एक आया, 2 और 1 या 2 फरवरी अगर 2 फरवरी 2000 लूंगा तो नंबर ही 1 बचा 2 या उसका टोटल 6, तो इस टाइप में फिर उस पर्सन का फ्यूचर कैसे कैलकुलेट होगा, वो लाइफ में कैसे प्रेडिक्शन कर पाएगा, उनको कैसे आप गाइड कर पाओगे वो चीज समझेंगे। राइट सर, 5 डेज का वर्कशॉप है जिसका नाम है न्यूमरोलॉजी ट्रिक्स, अगर आप बेसिकली न्यूमरोलॉजी है आती है आपको या आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं तो ये कोर्स आपके लिए बहुत अच्छा एक अपग्रेडेड टूल है जो अपने लाइफ के अंदर इवेंट्स कैलकुलेट करना प्रेडिक्शन करना और फाइनली प्रिडिक्ट करके आप कैसे अपनी लाइफ को समझ पाएंगे वो आपको पूरे कोर्स में सिखाया जाएगा। अजय सर आपको ये लाइव क्लासेस देंगे, 5 दिन की क्लासेस होंगी, इसके अंदर पीडीएफ मिलेगा और सर्टिफिकेशन मिलेगा बट वीडियो रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलेगी, मैं आपको यहाँ पे अभी क्लियर कर रहा हूँ। सेकंड इस पूरी क्लास की फीस है, 5 दिन की वर्कशॉप है 3333 रुपए में, क्रैश कोर्स 1 डे में अगर आप ऑफिस में हैं या आपके पास टाइमिंग नहीं है तो आप 1 डे में ये कोर्स कर सकते हैं, क्रैश कोर्स है जो 12 से 5 संडे वाले दिन, कोर्स को कनेक्ट करने के लिए कोर्स में ज्वाइन करने के लिए आप सबसे कनेक्ट कर सकते हैं, सर का नंबर है 999-0369-555 लेट मी रिपीट अगेन 999-0369-555
तो आप लोग सब पेमेंट मोड़ो पेमेंट गूगल पे फोन पे बैंक ट्रांसफर किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आप इस कोर्स के अंदर ज्वाइन करने के लिए सर से कनेक्ट करें। और सर ये कोर्स 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा ना आपका? आराम से राहुल भाई, 15 ट्रिक से वैसे तो 3 दिन में होता है, लेकिन जो लोग डाउट रहते हैं उनको 2 दिन और लग जाते हैं अपने को, तो डाउट के साथ में 5 दिन बताया, 2 दिन का कोर्स अपन डाउट क्लियरेंस का रहता है जी। और उसके बाद उनको लाइफ लॉन्ग सपोर्ट मिलता है, किसको अगर समझानी कोर्स तो कब फिर से एक बार करने का चांस दिया जाता है उनको। ठीक है राहुल भाई? राइट सर, राइट सर। हमने क्वेश्चन ले लें 2 दिन? हाँ ले लीजिए ना। जी जी मीनाक्षी शर्मा जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जय श्री राम सर। जय श्री राम दीदी, बोलिए डेट ऑफ बर्थ क्या है? सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 27 जनवरी 1987। ओके आपकी है ना दीदी ये? हाँ जी। दीदी क्या पूछना है आपको? सर 2 साल से मतलब मेरा फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा है, मैं मतलब टीचिंग लाइन से थी और अभी ड्यू टू कोविड पेंडेमिक मतलब मेरा काम बिल्कुल ठप हो गया, तो होम सिक हो गई हूँ। क्या काम करते थे आप टीचिंग लाइन में? टीचिंग में। ओके, अभी फाइनेंस की बहुत तकलीफ है आपको है कि नहीं? फाइनेंस पूरा खत्म है आपका? जी जी दीदी आप कुछ नया कुछ सोच रहे हो, कुछ करने की और सोच रहे हो कि दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है मुझे? हाँ मैं एस्ट्रोलॉजी से काफी टाइम से जुड़ी हूँ, 2017 से कुछ ना कुछ सीख रही हूँ, तो एज अ कंसल्टेंसी अभी स्टार्ट नहीं किया है, या इसको एज अ प्रोफेशन मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया। बस ये काम आपने सही किए और सही टाइम पे किए, ये जो काम है ना यही आपको जो सेक्टर था ना आपका जो टीचिंग वाला सेक्टर वो आपको ज्यादा सूट नहीं करता था, क्योंकि आपका 9-8 का कॉम्बिनेशन है। 9-8 ही है ना आपका? हाँ जी हाँ जी। ये जो अपने जो टीचिंग वाली है जो आपका अकाउंट साइंस का कहीं आपको ज्यादा सूट करेगा, क्योंकि आपका 2 और 77 है, 2 7 77 बहुत काम करती है अकाउंट लाइन में, तो आप इसमें प्रैक्टिस कीजिए, आपको धीरे धीरे मिलेगा, अच्छा काम मिलेगा इसमें आपको। बट सर इसमें ना मुझे थोड़ी दिक्कत आती है, दिक्कत इन द सेंस कि जैसे जो क्लाइंट्स हैं उनके अगर उनके नीड्स अगर फुलफिल हो गए तो मतलब आपको अप्रिसिएशन तो नहीं करेंगे, मगर उनको अगर प्रॉब्लम बढ़ती चली गई तो उसके लिए ना वो आपको ब्लेम जरूर करते हैं, तो मैं इन सब चीजों से डरती हूँ क्योंकि आई एम अ गॉड फियरिंग पर्सन, तो मुझे लगता है कि मुझे किसी की लाइफ से ना खेलने की वो नहीं है, मतलब लाइक भगवान ने मुझे इतने राइट्स नहीं दिए कि मैं कुछ भी किसी को सजेस्ट करूँ, तो थोड़ा डर से ना आपका जो भी आ रहा है अच्छा करने के लिए आप उसको कुछ बता रहे हो ना, जो भी आप बता रहे हो उसके अच्छा करने के लिए बता रहे हो, वैसे आपके पास नहीं मेरे पास भी तकलीफ होती है कुछ, जिनका अच्छा होता है एक ही बार थैंक यू बोलता है, जिसका बुरा होता है वो अपने को रोज रिपीट कराते रहता है भैया हुआ नहीं भैया हुआ नहीं, तो ये तो अपना जो काम है अपना बेस्ट देते हैं ना अपने सभी को। मैं तो क्लाइंट से पैसे नहीं लेता तो मुझे बोलते कि आपका अच्छा होता एक बार थैंक यू बोल देगा, बुरा हुआ तो वो हफ्ते में 3 बार अपने को व्हाट्सअप करेगा, तो इतना चिंता नहीं करने का। तो ये चीज तो होगी, अपन कोई भगवान थोड़ी नहीं है, अपन 80% एक्यूरेसी दे रहे हैं पर अपन अच्छे दिल से दे रहे हैं ना, तो अपने को भगवान अपना देख रहा है, उसके लिए आप उसकी चिंता क्यों करते हो? आप अपना बेस्ट दीजिए, बाकी सब चिंता छोड़ दीजिए भगवान के ऊपर। आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो ना पहली बात तो, हाँ जी। ना ही किसी को जानबूझ कर गलत बता रहे हो, जितना आपके सेंस है जितना आपका उम्र है उतने सब बता रहे हो ना। हाँ जी हाँ जी। ये काम आपको सूट करेगा दीदी, आप बिंदास होके करिए 9 नंबर वाला। टीचिंग मुझे ज्यादा इंटरेस्ट आता है क्योंकि छोटे बच्चे मिलते हैं उनको पढ़ाती हूँ, और मतलब ठीक है जो भी पैसे तो अच्छे खासे हो भी जाते हैं, मगर टीचिंग से मुझे कोई कंप्लेंट नहीं आई कभी, मतलब बच्चे के साथ एक बार बैठ जाओ ना तो लॉन्ग टर्म मेरा बच्चे के साथ बहुत अच्छा चलता है। आपको आपका उत्ता है ना वो तकलीफ में वो रिश्ता अच्छे से निभा लेते हो, तो टीचिंग में आप
क्या तो फिर से टीचिंग में आपको तकलीफ नहीं है? एक नंबर बोली एक से लेकर नौ के बीच में कोई भी? फाइव। थोड़ा डिले होगा मैम इसमें, आपको थोड़ा टाइम लगेगा। इस साल मुझे मुश्किल लग रहा है टीचिंग का जॉब करना आपका। कम से कम आपको अगले साल या दिवाली के बाद, दिवाली के बाद मेरे को लग रहा है 2022 में चांसेस आएंगे आपके पास। इस साल थोड़ा डिले है आपका। अच्छा, और सर मेरी ना मैरिड लाइफ भी बहुत डिस्टर्ब है, मतलब लाइक क्या वो बात मैं बोल नहीं पा रहा हूँ कि अपन पर्सनल प्लेटफॉर्म पे है। ओके, वो तो दिखेगा पूरा खाली है, नन बटा जीरो है उसमें, कोई हमें कोई भी टाइप की फीलिंग नहीं है, इमोशनल कोई भी चीज आपके पास उसमें नहीं है, वो जीरो है। अच्छा, तो अभी मैं कुछ सोचूं या फिर आप मुझे कल व्हाट्सएप कर दीजिए। पर्सनल करेक्ट कर लीजिए मैम, बस ना पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बात नहीं कर रहे हैं सर, पर्सनली करेक्ट कर लीजिए। ठीक है दीदी, ठीक सर। अच्छा सर, मुझे एक चीज और पूछना था। हाँ, मेरी बेटी उसने मतलब कॉमर्स स्ट्रीम लिया है, वो 6 अगस्त 2003 है। और कल व्हाट्सएप कर दीजिए, अभी आज बहुत सारे लोग पेंटिंग उनको देख लेता हूँ मैं। ठीक सर, पर्सनली कॉल कर लूंगा, चिंता मत कीजिए। ठीक सर, ठीक सर, थैंक यू। दीप्ति जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ सर, मेरे को एक ये बात बता दीजिए, आप कुछ रेमेडीज वगैरह भी कराएंगे सर? नहीं। और नॉलेज बढ़ जाएगी अगर आपसे पता चलेगा कुछ तो। नहीं मैम, रेमेडीज तो टाइम इवेंट्स है मैम, आप टाइम में बेस्ट अपना दे सकते हैं, टाइम को किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। सर रेमेडीज में बिलीव करते ही नहीं है। मैं तो टाइम पे बिलीव करता हूँ, मैं आपको टाइम बता सकता हूँ कि टाइम को अच्छा आने वाला है। सर मैं अपने बेटे के लिए पूछ सकती हूँ आपसे एक मिनट? सर उसकी डेट ऑफ बर्थ है 19 दिसंबर 2005। मैडम ये 2005 वाले थोड़ा बाद में केस आएंगे, इसमें अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये अलग फॉर्मूला है, मैं उसको डिस्क्लोज करना नहीं चाहता हूँ। ओके सर, तो मेरे हस्बैंड के बारे में बता दीजिए सर, उनकी प्रमोशन का अगर कुछ इवेंट आ रहा हो तो बताइए। बताइए 21 दिसंबर 1972 फिर से रिपीट कीजिए एक बार। 21 दिसंबर 1972। ओके, ड्राइविंग कंडक्टर क्या है इनका? 3 और 7 है सर। आपके आजू बाजू है क्या अभी दीदी? है क्या सर? आपके नियर बाय है क्या सर अभी? नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं है वो। अच्छा अच्छा, एक्चुअली मेरे को उनके नंबर पूछना था एक से लेकर नौ के बीच में, 3-3-6 एक मिनट बता रहा हूँ। नहीं नहीं, आपको नहीं बोलना है। अच्छा मैडम, भाई अपनी 15 जुलाई के बाद चांसेस बन रहे हैं इनके अगले साल। अगले साल? अच्छा अच्छा, तो ये 3 में चांसेस आएंगे इनको, इस साल तो इस साल मुश्किल है। ओके सर, ओके, ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू, वेलकम मैम। सो सर इजाजत आज का समापन करने का? ठीक है सर राहुल, ठीक है राहुल भाई, ओके। मैं एक्चुअली सर मुझे भी कहीं जाना था एक्चुअली, थोड़ी सो माफी चाहूंगा, टाइम हो गया है ना। थैंक यू टू ऑल टू ज्वाइनिंग, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैं तहे दिल से हाथ जोड़ के सबसे क्षमा चाहता हूँ जिनके क्वेश्चन आंसर नहीं लेंगे। बहुत जल्द ही एक वेबिनार आएगा, उसमें ये करेंगे क्वेश्चन आंसर लिए जाएं। और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इस क्लास के अंदर, जो 3,333 रुपये मात्र आपको ट्रिक्स सिखाई जा रही है। ट्रिक्स मतलब आपके न्यूमरोलॉजी, आपको बेसिक्स आती है, बहुत से न्यूमरोलॉजिस्ट भी होंगे इसके अंदर और उन न्यूमरोलॉजिस्ट को भी ये ट्रिक्स नहीं समझ आ रही होंगी, तो उसके लिए सबका स्वागत है। आइए इवेंट कैलकुलेट करने से प्रिडिक्शन कीजिए, अपने आप को अपग्रेड कीजिए, लाइफ को कैसे स्मूथ और बेटर करना वो सीखिए। राइट सर, सो मैं आप सबका 3,333 रुपये की 5 डेज वर्कशॉप ऑन मंडे, इट्स गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द 9 to 10। आप आ सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप सर से कनेक्ट कीजिए। सर का नंबर, सर नंबर बताइए इस बार, आप बताइए अपना। 9003695। राइट, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 9003695। जी, तो प्लीज आप
कनेक्ट करें सर से और क्लास को ज्वाइन कीजिए और अपने लाइफ में कम से कम प्रिडिक्शन ये पार्ट को तो अपने थॉट में क्लियर कीजिए, आने वाले लाइफ में आपका टाइम कैसा है, किस तरीके से अपनी लाइफ को जीना है वो तो सीखिए। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस क्लास में। आपको अगर बेसिक लोशन की अगर हमने यूट्यूब और इससे भी आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका भी स्वागत है इस क्लास के अंदर। और आइए समझिए कैसे अपनी लाइफ के इवेंट्स क्रैक करने, राइट सर? राइट राइट। सो इजाजत है सर आज का समापन करने का। ठीक है, जय साईराम राहुल भाई, सभी आप सभी लोगों से जय साईराम टू ऑल। थैंक यू टू ऑल टू जॉइनिंग एंड वी आर रियली अपोलाइज फॉर देम टू मेडिकल क्वेश्चन नहीं ले पाया। योगेंद्र जी कॉल कीजिए मुझे अभी। ओके सर, ओके, जय साईनाथ टू ऑल। जय साईनाथ, थैंक यू सर, जय साईनाथ। जय साईनाथ। क्लास आपके असाइंड होगा सर। थैंक यू सर।